बहुत से आ, जो है प्रोग्राम्स हुए कराची शहर में भी काफ़ी प्रोग्राम हुए एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ तंगजीमों ने मुख्त के ऊपर प्रोग्राम किए और खातिन के हकूक के हवाले से राइट के हवाले से आ, अपनी आवाज़ बदल की उसी की मुनासिबत से हमने इरतफ़ा में भी एक प्रोग्राम रखा कि वमेन क्वेश्चन के ऊपर बात की जाए एक आ, उसको जाना जाए उसके मुख्तिक पहलुओं को भी जाना जाए क्योंकि अगर खातन की जो तहरीक का अगर हम देखते हैं आगाज जो उनके हकूक के हवाले से हुई तो वो एक बहुत हमें तभी से पे मुहित नजर आती है अगर सिर्फ एटीन सेंचुरी उसकी तो एटीन सेंचुरी की बात करें जब उन्होंने बाकायदा अपने आ, के लिए आवाज़ बुलंद की वोट के हक हाँ के लिए जायदाद में और दूसरे हवालों से अपने बात की अपने आप को मनवाना चाहा वो फिर उसके बाद भी हमें ये भी मिलता है लिटरेचर में कि डिफरेंट वेव्स की बात की जाती है फैमिली मूवमेंट की फर्स्ट वेव सेकेंड वेव और उसके बाद थर्ड वेव आ, लेकिन आ, जहां खुवा के आ, हुकूक की बात हो रही थी वहां पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आई उनके हवाले से ये भी कि उनके क्वेश्चन को किस हवाले से सवाल उठाया जा रहा है कौन सा तबका उठा रहा है किस तरह जदोजहद जा रही है तो ये भी बहुत सारे सवाल उभर के सामने आए तो आज हमें ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर ताहिरा खान जो है वो हमारे दरम्यान मौजूद है और उनका मेन जो है वो खुवान के हवाले से ही वुमेन स्टडीज और जनरल स्टडीज पे उनका बहुत काम है और वो जो है हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी इरत की तरफ से कि वो आके इस हवाले से बात करें ये जो है अगर मुख्तर तल्लु करवाऊँ एक तो ये कि हम पहले जिक्र करेंगे कि उनका इरत से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है ये इरत की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी और वो काफ़ी पहले की बात है जब वो कराची में हुआ करती थी जो हमसा वाहिद लेक्चर जो शुरू हुआ था उसमें पहली जो पेपर पढ़ा वो डॉक्टर तायरा का पेपर था वो यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी मास्टर्स करने के बाद इनकी एजुकेशन भी पाकिस्तान में भी हुई मास्टर कायद अजम यूनिवर्सिटी से फिर बाद में उन्होंने बाहर जाके यूनिवर्सिटी में अब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा वापस आके उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था और फिर आई यूनिवर्सिटी से भी वो वापस आ रही थी बाद में वो बाहर चली गई और वहाँ पर उनका काफ़ी यूनिवर्सिटीज के साथ पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला रहा और जो पैंतीस साल के ऊपर मुखीद है उनका तरफ से तदवीज का सिलसिला ये सिर्फ ये नहीं, नहीं कि वो रिसर्च और लिखने के हवाले से हो लेकिन और सतहों पे भी उनका रिसर्च स्टडीज जो है खातिन के हवाले से वो की जैसे कि शिरकत ग है उसमें भी वो शामिल रही थी उसके लिए भी काम किया इसी तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन और दूसरे भी ऐसे एक्टिविस्ट ग्रुप थे जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर मैं मुख्तर भी करना चाहूँ तो बहुत आ, वो होगा कि एक तो ये के वो जो है विद द एशियन पैसिफिक वीमेन लॉ एंड डेवलपमेंट 1997 से सेवन से है वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन पोलिटिकल प्रोसेस की कन्वीनर रह चुकी हैं वर्कशॉप कराती रहती हैं सेंसिटाइज करना खीन को उनके राइट्स के हवाले से आ, उनकी जो पहली किताब आई थी और बहुत ज्यादा उसको मकबूलियत भी हासिल हुई फिर उसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन हुआ और उसको बेस्ट बुक का कह सकते हैं कि अवॉर्ड किताब थी जिसका नाम टाइटल था बियॉन्ड ऑनर हिस्टोरिकल मटीरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन तो ऑनर के जो हम बहुत सारे लोग उसके बारे में अवेयर भी हैं उनके ऊपर इनका बहुत अच्छा काम जो है एक और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इसके, टाइटल में पॉइंट ऑफ व्यू भी है तो अगर उनकी अप्रोच के हवाले से देखें तो वो क्लास और तबकात के हवाले से चीजों को एनालाइज कर रही होती हैं उसके ऊपर यकीन भी रखती हैं और चाहे वो खुवात की तहरीकें हों या कोई और उसमें उनका ये एक मेन रहता है मटेरियलिस्टिक व्यू का जो आज का टाइटल है वो भी यही है कि मार्क्सिज्म के हवाले से वो तो देख रही हैं क्वेश्चन ऑफ वीमेन ये जो है उनका जो तो एक और वो था कि विमेन एंड एजुकेशन जो उन्होंने इतफा में के में पेपर पढ़ा था जवाय का वो था व्यू इसके ऊपर उनका था तो मैं दावत दूंगी आ, काम बहुत है जितना है मुख्तसर एक तारुक करवाया और फातून के हवाले से अब वो बात करेंगी जो उनका मौजू है उसके बाद जो हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे और मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन आते हैं वो खुल के हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें वाबस्ता है कुछ लोग उसके बहुत ज्यादा हमी भी होते हैं कुछ के सवाल में अभी भी क्वेश्चन और, और मतनाजा चीजें भी बहुत सारी हैं तो आदाब तस्वीम और सलाम कॉमरेड्स को साथियों को दोस्तों को आखिरी बात जो मैंने कही कि मुतनाज़ मुत भी, भी हो सकते हैं तो मेरी ख्वाहिश यही है कि मुतनाजी बहुत ज्यादा उठाई जाए तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं तीस मिनट से ज्यादा ना बात करूँ तीस से पैंतीस मिनट तक हालांकि मैंने मुझे बहुत लंबा टाइम दिया है वो इसलिए कि फिर उसके बाद जो है वो तो सवाल जवाब के सुन मैं चाहती हूँ मैं भी कुछ आप लोगों से और आप लोगों के सेम जो सवाल है उसको मिल के सुलझाएं तो अब इस मुल्क में इस हवाले से इस फजा में मार्क्सिज्म की बात को कंटिन्यू रखना मार्क्स को एकेडमिकली मैं मैं बात कर रही हूँ मैं कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिविज्म की नहीं बात कर रही मैं लेफ्ट की बाएं बाजू की Uh, कार्यों की, की, परस, की नहीं बात कर रही उनकी बात कर रही उसके ऊपर तो मैंने 1976 में पेपर लिखा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान 1947 टू 54 जिसमें फैज साहब भी आ, अरेस्ट हुए थे वो एक तारीख एक अपनी जगह थी उसके सो so, वो इंस्पिरेशन तो जाहिर है मार्क्स मार्क से थी तो उसका भी हम हाँ, उस जदोजहद का भी हिस्सा रहे यूनिवर्सिटी में रहे कैसे हुई मार्क्सिज्म तो थोड़ी सी तमीज बांध दो क्योंकि आज बहुत कम लोग अभी भी मार्क्सिज्म की बात करते हैं और एकडमिकली खास तौर पे मार्क्स की या मार्क्सिज्म की तो वो ये कोई अभी कल ही के मेरा पॉडकास्ट भी रिलीज हुआ है तो मैंने यही सवाल वहां पे भी मुझसे पूछा गया था और मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया था फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म से कि ये चीजें जो हैं ये आपने कहा से सीखी सादा सा सवाल मुझे किया होता तो वो ये चीजें सीखी नहीं ये वक्त ने सिखाई ये चीजें मेरे दिल दी थी चाहे वो फेमिनिज्म था लड़की के साथ जो कुछ फैमिली सिस्टम में होता है उसको भुगत रही थी या उसको देख रही थी और वो चीजें जमा हो रही थी लेकिन उसका कोई नाम नहीं था तो मार्क्सिज्म की जब बात आती है या मेरी जो की या मेरी जो अफिलियशन और मैंने कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप एक डोरी को पकड़ के रखा हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म की डोरी स्टूडेंट लाइफ से लेके आज तक वो डोरी कभी कमजोर नहीं हुई वो कभी टूटी नहीं वो किस लिए वो इसलिए नहीं कि मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गई तो मैंने वहां पर मार्क्सिज्म पे मोटी मोटी किताबें पढ़ी तो मैं मार्क्सिस्ट हो गई नहीं ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली मार्क्सिज्म जो हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट अप्रोच के के उसके बीच में पली थी एक पंजाब के एक देहाती माहौल में छोटे शहर में गांव में इर्द सूफी पोएट्री पंजाबी सूफी पोएट्री पढ़ते हुए लोग मिले वो तो जो इर्द गिर्द की हकीकतें थी बचपन से ऊपर तक वो सारी हकीकते थी, वो वो थी लेकिन उसके पास उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं थे कोई नाम नहीं था वो आ, मेरे फादर बाबा भले शाह की पोइट्री पढ़ते थे बारिश शाह को पढ़ते थे सुल्तान बाहू को वो सारी कोई बातें थी जो मार्क्स ने कही डेढ़ सौ साल पहले वो रोटी की वो रोटी पानी वो फूड क्लोथ इन शेल्टर वो चीजें के पेट न पे रोटियां ते सबे गल्ला खोटियां जिदी कोठी दाने उधर कमले भी से अब वो ये वो बातें थी ये मार्क्सिस्ट की बातें हैं अगर हम इसको तो एकेडमी का लिखे हैं लेकिन मैंने तो ये बचपन में सुनी थी और ये तो इधर के हमारे जो सीधे साधे अनपढ़ लोग हैं वो ये मिसालें देते थे तो, तो वो उसका कोई नाम नहीं था ना का नाम था ना का नाम था मिस से इर्द गिर्द हमारे औरत को पंजाबी कल्चर में भी मतलब उसके मुताबिक जो अपॉर्चुनिटी वो यही कहती खामा तो इस तरह की बातें थी तो यूनिवर्सिटी जाते फिर उसको जबान मिली कहमर्सिटी में जबान मिली कैद यूनिवर्सिटी में जाते बायदा मार्क्सिजम पढ़ने का मौका मिला जब फिलासफी ऑफ हिस्ट्री पढ़ी फिन के कोर्सेज में तो में भी है कि फिर पता चला कि हिस्ट्री की भी फिलासफ़ी होती है और वो हिस्ट्री की फिलासफी की जो मेजर फ़िलासफ़र थे जो मेन फिलासफ़र थे, वो इबन उद से लेके वीगो वर्डर हीडर और फिर मार्क्स पे आके तान टूटी और वो मार्क्स पे जाके वो आ, वो जब जब तक चलते चलते एक तक भी क्या नहीं दुनिया थी तो जब तक चलते चलते रख आई तो रद अब ओह ये तो दिन की बात कर रहे हैं ये तो सुनी हुई सी बात लग रही है उसके फिट्स के उसकी डीप जो स्टडी रही है वो तो अपनी जगह लेकिन जो बेसिक आ, 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 सिंपल सी जो बातें थी आ, वो तो दिल को लग रही ना तो फिर वो एट्रैक्शन वो आ, आ, उस उसकी तरफ चुपाव हुआ फिर वो स्टूडेंट लाइफ में तो पढ़ा वो डिग्री ली फिर उसके बाद जब ख़ुद लिखने का पक् आया तो जो रिसर्च व टेक्नोलॉजी में जो मैथोलॉजी अपील थी या जो मेथड अपील किया वो मार्क्सिस्ट मेथड था वो हिस्टोरिकल मटेरियल आप आपने किसी टेक्स्ट के या किसी लीडर के किसी वाकई को अगर एनालाइज करना है तो आपने उसको टेक्सुनाइ करना है उसके मादी पस मंज़र में उसके उसके जो है उसके इर्द गिर्द जो मामे इवन उसके फी में उसके जरा पैदावार में मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें ये जवान होती थी जेम में और से खुलता गया आहिस्ता आस्ता कोई तो आज सोच नहीं पानी बेकर ये था कि ये सोच जब मैं इस्तेमाल करती हूँ अपना पेपर भी लिखने के लिए एज ए स्टूडेंट जब पी के लिए गई और अच्छा बड़ी खुशकस्मती की बात थी कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी करने गई वहाँ भी अभी छः महीने पहले ही हमजा अन पढ़ाते गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ टेनवर हमजा ही लगे थी मैं पढ़ा उस वक्त सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट अमेरिकन फिलासफर्स और टीचर्स बहुत तो वो एक वक्त ने भी मुझे वाक़ा दिया से को समझने का पढ़ने का और आज तक समझ रही हो आज तक पढ़े बीस साल बाद आज इस मीटिंग में आई हूँ और आज से बहुत बात ही मेरे लिए सिचुएशन है तो बहुत खुशी है मुझे हुमा और कदीम की महब्बत अमीर का खजूस है के टीम के साथ मैं चट रही हूँ तो ये जब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक की तो मैंने खुद ही वो बात से कहा कि टॉपिक तो बड़ा खुश सा लग रहा है मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म में औरत औरत की रस्सी है मार्क्सिज्म में वीमेन क्वेश्चन आ, और ये मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको आसान और सिंपल नए जनरेशन के लिए यंग बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए उस हवाले से मेरा तो कमाई यही होगा ना कि अगर मैं मार्क्स को ज्यादा हाथ में एक्सप्लन कर सकूँ तो आ, उस हवाले से मैंने जब लिखना शुरू किया क्योंकि इतना वो तजर्बा और जिंदगी के इतने मुशाह तो उसमें जब आप फिर पति बोलना शुरू करें तो फिर आप लेफ्ट राइट चले जाते हैं तो मैंने सोचा कि मैं तो थोड़े फाइन स्लू तो अब उसमें जब दिखने बैठी तो उसकी बैकग्राउंड भी हुई कि अब मैं मार्क्स को मार्क्सिप से, मार्क्सिज्म को, को करने करने से पहले शुरू करूँ और मार्क्स तक डाउन और फिर उसके बाद तो मार्क्सेज मार्क्सम शुरू होता रहे तो मैं इसको कहाँ खत्म करूँ तो मेरे लिए फिर ये ज़्यादा इंपॉटेंट हो गया कि मैं थोड़े पीछे जाऊँ मार्क्स से पहले जो जोरियन सोशलिस्ट थी जो उसके कंटेम्प्रेरी या आ, या उससे पहले मार्क मार्क्सिटम जो एक सोच लेट्स एक हिस्टोरिकलिज्म एक सोच ये मार्क्स मार्क्सम ये बन रियम पहले पहले से पढ़ रही थी और उसमें विमिन क्वेश्चन भी पहले से उठाया जा रहा था मार्क्स से पहले भी Uh, तो वो मार्क्स के लिए तो एक क्लोज थे उस माशरे में जिस भी मार्क्स निकला हुआ तो वो मार्क्स भी कोई नई चीज़ नहीं लिखी मार्क्स भी वो जो चीज़ें सदियों के विशायतों से जो इंसान जिनसे गुजरे थे जो जमा हो रही थी और जो इर्द गिर्द उसके तब्दीलियाँ आ रही थी इकतदी माशी सामाजिक मजहबी वो उनको जमा करके तो हिस्टोरिकल मटीरियल की सोच एक डिवेलप हो रही थी इसकी तो उस वाले से मैं अगर तो मैं अब आ, आज क्योंकि वरना बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी मैं ज़्यादा टाइम देना चाह रही हूँ डिस्कशन को और टिवेट को तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मार्च से पहले आ, जो मार्क्सिस्ट सिमिलर मार्क्सिस्ट आइडियाज़ थी थोड़ी सी उन पर बात करो और उसके बाद मार्क्स की जो ओरिजिनल जो राइटिंग मेरा उनमें से कुछ ऐसी लाइनें निकालूँ कुछ ऐसी ऐसे पैराग्राफ निकालूँ जिस से जो उसने डायरेक्टली औरत पर लिखे वरना तो मार्क्स का कॉन्सेप्ट में आते ही दास कैपिटल आता रहे कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आता रहे मार्क्स का कॉन्सेप्ट आती मार्क्स से जमाता आता है जो एक एकतसारी निज़ाम की वो आता रहता और, औरत के मुताबिक मार्क्स में तो नहीं अब ये मज़ेदार बातचीत है यहाँ पे थोड़ा सा मैं साथ ये कम्पेरेटिव एनालिसिस करना चाहूँगी लिबरल थेमनिजम का बिकॉज फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिजम तो मार्क्स के टाइम में ही शुरू हुई थी लिबरल फेमनिजम जो के इंडिविजुअली औरत को रही थी तब औरत सड़कों पर निकली एटीन सिक्सटी सेवन ऑनबर्ट हमें तो यही पर ना इंडिजल फेमनिज्म पहले पैदा हुआ तो था नहीं था लेकिन अब मार्क्स वो जो डेढ़ सौ साल पौने दो तो सौ साल गुजार के लिए थे फैमनिज्म जो मैं एकडेमिक्स कॉलेज को तो पढ़ती हूँ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में लिबरल फेमनिस्ट को तो और एक्टिविस्ट को तो वो ख़ास तौर पर क्योंकि मेरा इंटरेक्शन अमेरिका से ज़्यादा अमेरिका कैनेडा और यूरोप से भी तो वो मार्क्स का नाम आते ही

तो उसमें मैं उसको उनसे थोड़ा सा जब इसका तकामी जायजा लेती हूँ उसके बाद मैं मार्क्स पे चलती हूँ तो रेडि उनके लिए अगर मार्क्स की नहीं है नए काम औरत के लिए मार्क्स की डेलीमेंट सेट्स और एक डेमिकल ये एकराज यूनिवर्सिटियों में राइटिंग में ये आता है कि मार्क्स में तो कुछ लिखा ही नहीं था औरत के मुताबिक स्पेसिफिकली जैसे जी एच मैन लिख दिया जैसे uh, mm. उसके पाचू और स्कॉलर्स आई फीवेट स्कॉलर्स आई उन्होंने लिखा मेरिंग मिनिस्टर क्राफ्ट एटीन सेंचुरी में लिख दिया लेकिन मार्क्स ने तो कुछ नहीं लिखा था तो और जो कुछ लिखा थोड़ा बहुत लिखा वो एंगल्स ने लिखा और वो छोटा सा बुपलेट आया एटीन एटी फोर में नहीं लि पाए मार्क्स ने बहुत कुछ लिखा और वी नीड इसमी उसको डिग करे

उन्होंने अब अपने आप को कह रही थी और ये भी एक नई पॉइंट टर्म थी इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी मार्क्स ने कोई फैमिलिज्म और फैमिलिस्ट की बात नहीं की थी या फैमिलिस्ट वर्ड की या औरतों की तहरीक की नहीं बात की थी क्योंकि उसका तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था ना कि जब सिस्टम चेंज होगा तो औरत की सिचुएशन भी चेंज होगी लेकिन और ये इम्प्रेशन आज भी है कि मार्क्स का क्या ताल्लुक है औरत के क्वेश्चन से या औरत के मसाइल से वो तो एंगल्स ने लिख दिया और उसके बाद लनन ने कुछ लिखा और लनन का भी बिल्कुल दबा दिया जाता है हालांकि लिनन का बहुत बहुत राइटिंग है और विमेन क्वेश्चन पे फिर उसके बाद जो अगली जो तीन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रोमिनेंट रही हैं नाइनटीन सेवनटीन रेवोल्यूशन के बाद और उससे पहले भी जो कॉमरेड्स थी लेनिन की आ, क्लारा जेटकिन और जिसने एक्चुअली दिस 8 मार्च जो ये कल मनाया गया है जो जहाँ से शुरू हुआ है वो क्लारा जेटकिन थी वो क्लोजली काम कर रही थी लेनिन के साथ उसके बाद कॉलंट आई थी जो मिनिस्टर भी थी जो उस कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर भी थी सोवियत यूनियन में फिर रोज़ा नगजमबर्ग का कर, नाम कौन नहीं जानता वो ये सारी तीन जो है ये एक स्ट्रक्चरल चेंज की भी बात कर रही है और स्पेसिफिकली उसके अंदर फिर वेमेन की भी बात हो रही थी तो मैंने आज एक जरा थोड़ा अनोखा सा रास्ता लिया है कि मार्क्स uh, की कुछ तहरीरों में से एक तो औरिजनली उसके जो वर्ड्स थे जो उसने लिखा औरत के मुताबिक एटीन फोटीज़ में एटीन 60s 70s सेवेंटीज़ और अप टू द पॉइंट ऑफ एटीन एटीज़ तक अपनी डेथ से दो तीन साल पहले तक उसने जो लिखा और फिर एंगल्स ने जो किताब 1884 में लिखी जो बुकलेट लिखा एक्चुअली वो सारा उन राइटिंग्स का ही निचोड़ था जिसको फिर उसने सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाया जो एक अप्रोच बन गई द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट मैं उस पर बाद में आऊँगी तो आई थिंक के, आ, ये जो आ, हमने निश्चित आज रखी है आ, मैं मैं वॉल्टियर करने के लिए तैयार हूँ इसका दूसरा हिस्सा हम एंगल्स के बाद वाला रखेंगे मैं एंगल्स तक मार्क्स uh, की राइटिंग्स और एंगल्स की राइटिंग और वहाँ तक कोशिश करूँगी थोड़ा सा लेन का मेंशन uh, करके मैं वहाँ पे बात ख़त्म कर दूँ क्योंकि आगे जो जदोजहद थी या आगे जो लिखा गया मार्क्सिज्म वो बन गया ना से मार्क्सिज्म तो वो बहुत लंबी दास्तान है फिर उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन चाहिए होगा तो जिसको मैं सवालों के दरमियान में तो uh, उसको एड्रेस कर दूँगी तो उस हवाले से मैंने ये आपने लिखे हुए का पेज भी समझे आपके साथ डिस्कस कर लिया है तो जो मैथडोलॉजी मार्क्स की रही है वो टेक्स्ट को समझने की रही है कि आप कोई भी राइटिंग है कोई टेक्स्ट है उसको समझें और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था वो लिखी गई थी या अगर कोई एक्टिविस्ट है कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या कोई मूवमेंट है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुई और उसकी वो किस तरह से फ्लरिश की या किस कॉन्टेक्स्ट में नाकाम हुई तो मेरी मैंने आज मार्क्स को एक्सप्लेन करने के लिए वही सोच ली है टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के मार्क्स का टेक्स्ट के मार्क्स के राइटिंग में क्या लिखा हुआ था और मार्क्स किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कर रहा था अब वो मैं पहले कॉन्टेक्स्ट आपसे शेयर कर लूँ वही उन्नीस उन्नीसवीं सदी क्विकली अगर मैं बहुत ही मुख्तर कहूँ कि ना स्पेशली नाइनटीन सेवेंटीन एटी नाइन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब वो uh, बादशाह सलामत का बुर्ज उलट गया जब डिवाइन राइट ऑफ किंग डाई हो गई जब ये ये पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन बादशाह का जो है कोलेक्स हो गया और इंसान ने पहली दफ़ा बगावत की यानी ये एक मोड़ आया इंसान की हिस्ट्री में उसके बाद आगे का क्या प्लान था जब मैथ मोमेंट्स इस तरह से अप्रैप्ट होती हैं तो कोई प्लान नहीं होता कोई स्ट्रेटजी नहीं होती उसके बाद जो क्या हुआ यूरोप में वो हुआ तो सो हुआ लेकिन वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हुई इंसान के हकूक़ की बात हुई उस हकूक में उस वक्त की जो अपर अपर मिडिल क्लास की औरत थी जिसको थोड़ा बहुत एजुकेशन का मौका मिला था वो उसने भी सोचना शुरू कर दिया कि औरत के पास हकूक नहीं है तो 1795 में आ, आ, फ्रेंच आ, उस वक्त तो फेमिनिस्ट का लफ्ज नहीं यूज़ होता था एक एक्टिविस्ट मैरी वेस्टर्न क्राफ्ट उसने एक छोटी सी किताब लिखी ये मैं दो ढाई सौ साल पहले की बात कर रही हूँ वो किताब का टाइटल था मिनिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन तो जिसमें बेसिकली ये डिमांड थी कि एजुकेशन औरत को चाहिए और औरत को पॉलिटिकल राइट्स चाहिए अब वो अभी सफ्रेजिस्ट मूवमेंट अभी राइट टू वोट की मूवमेंट यूरोप में भी शुरू नहीं हुई थी अमेरिका में, में भी शुरू हुई थी लेकिन तरह की बात हुई सो so, जब इंसान के पास या मेल डोमिनेटेड सिस्टम के पास हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा टूल रहा है और अब मैं समझती हूँ कि आज भी वो टूल है वो ये कि आपने किसी की एग्जिस्टेंस को वीक करना है तो उसको तालीम से इन से महरूम कर दो तो वो सदियों से हज़ारों सालों से औरत इल से महरूम थी तालीम से महरूम थी और आज भी आप देख लें कि हमारे इर्द गिद मिसालें मौजूद हैं कि ना सिर्फ़ औरत को तालीम से बा, रिस्मुक, बा, के लिए इनक्रेज नहीं किया जाता बल्कि बल्कि ओवरऑल गांव का जो सेटअप है उसके हिसाब से आप देख लें कि वो वडेरा तो नहीं जाएगा, ज़िम्मेदार तो नहीं जाएगा कि उसका मज़ारा उसका हारी जो है वो पड़े और कल को उसी के सामने आके खड़ा वो सफेद कपड़े पहन के तो वो ये अभी भी हमारे यहाँ उधर है तो ये उधर भी था लेकिन वहाँ पर जब ये औरत की तालीम की बात हुई तो ये भी चल पड़ी फिर ये नॉन स्टॉप हुई फिर उसके बाद नाइनटीन सेंचुरी में हेगल का टाइम है क्योंकि एटीन ट्वेंटीज़ थर्टीज फोर्टीज हेगल डोमिनेंट था बिल्कुल जिसका क्रक्स ये था उसकी फिलोसफी का कि पहले कि हिस्ट्री लेट से हिस्ट्री का भी कौन सी फोर्स मूव करती है जब हम फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हेगल का आ, फोकस आइडियाज़ पे था कि आइडियाज़ मूव करते हैं हिस्ट्री का भी तो उसमें बहुत से सो, सोशलिस्ट यूटोपियन जिनको हम कहते हैं वो फिलासफर भी थे जिसमें एक नाम फोरिए का था जिसके मार्क्स बहुत क्लोज था अवन था ओवन था फिर उसके बाद थम्पसन था ये सब लिख रहे थे इन्होंने एक सोशलिस्ट यूटोपिया बनाया हुआ था कि सोसाइटी ऐसी होगी और उसमें ये इंसानों के हकूक़ होंगे अब ये मार्क्स ड्रॉ कर रहे हैं इन चीज़ों से मार्क्स को कोई इल्हाम नहीं हुआ था मार्क्सिज्म का ये उसके इर्द गिर्द चीज़ें ये बातें हो रही थी वो हेगल को पढ़ रहा था वो हेगल का मत था और वो जो आइडिया था उस सिंपल सा क्वेश्चन की तारीख़ पे पहिया कौन सी कुत चलाती है तो हेगल की फ़िलासफ़ी को सिंपल वर्ड में कहूँ तो वो आइडियाज तो जब मार्क्स उस पॉइंट पे आया तो उसने इस पॉइंट को चैलेंज किया और उसने कहा कि नहीं तारीख़ का पहिया मादी कुवतें चलाती हैं इकोनॉमिक सिस्टम चलाता है मोड ऑफ प्रोडक्शन चलाता है सो so, जी वो एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि हेगल खड़ा था अपसाइड डाउन आइडिया इन मैटर मार्क्स आया उसने हेगल को सीधा कर दिया तो उसने मैटर पहले डाला और आइडिया बात में कि भाई एक मजदूर है या एक इंसान है उसकी बेसिक नीड्स हैं वो जब तक नीड्स नहीं पूरी होंगी उसकी फूड क्लोथिंग, शेल्टर भी होगी तो वो सोचेगा कैसे तो आइडिया कहाँ से आएगा जब वो अपनी मजदूरी में अपने नेचर के साथ अपने इंटरेक्शन और कन्फर्टेशन में लगा होगा चाहे वो पुराने ज़मानों में लकड़ियाँ जमा कर रहा था या वो जानवरों का शिकार कर रहा था या हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज थी या वो स्टोन खिस के उससे औजार बना रहा था ये सब मादे थे ना ये और ये चाहे फिर उसके बाद जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी डेवलप हुई तो ज़मीन भी तो मादा था ना तो बेसिकली क्रक्स ये थी कि आपने मादी कॉन्टेक्स्ट को देखना है और ये मादी क़वतें हैं जो व्हील ऑफ हिस्ट्री को वो करती हैं एक ये खुल गया एक जिसको कहते हैं ना कि एक एकेडमिक एक जो दरार पड़ गई उस वक्त की जो आ, सोच थी यूरोपियन फ़िलासफर बेसिकली जो लिबरल फ़िलासफर्स थे अब उसमें यूटोपियन सोशलिस्ट कर तो रहे थे वो बात तो हो रही थी लेकिन वो अभी क्लैरिटी नहीं थी वहाँ पे फिर मार्क्स के इर्द क्या हो रहा था ये अभी मैं क्विकली मार्क्स का कॉन्टेक्स्ट ही बता रही हूँ उसके इर्द क्या हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी फ्यूडल निज़ाम की टूट फूट हो रही थी पाचाही निज़ाम कमज़ोर हो गया था बहुत जगहों पर गिर चुका था डेमोक्रेसी डेवलप हो रही थी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे थे बहुत कुछ हो रहा था मादी दुनिया में तो वो उसका रिस्पांस जो था जो उसके इर्द गिर्द था वो उसमें वो रिस्पांस कर रहा था इन चीज़ों को और लेबर हाँ उसने कलोन, वो कलोनियलजम के पीक का टाइम था उसको पता था कि लेबर कहाँ है और चीप लेबर कहाँ है और कहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रही है और एक्सप्लाइटेशन हो रही है लेबर की चाहे अफ्रीका में हो चाहे इंडिया में हो फिर फिज़िकली पर्सनली उसने मिजरीज देखी क्या मिसरीज देखी लेबर की मिजरीज देखी देखिए एक और इंजाम आता है ना मार्क्स पे या कि ये इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट है के मार्च्स जो है वो, वो क्लास और मज़दूर प्रॉलिटेरियट के के चम्बल से नहीं आज़ाद होता वो कैसे आज़ाद हो सकता था उसके इर्द गिर्द मिजरीज तो अर्बन मजदूर की थी ना या फिर पेजेंट्स की थी तो वो ये दोनों चीज़ों में अब जब वो मज़दूर और पेजेंट को देख रहा था तो उसमें औरत भी थी उसकी नज़र औरत पे भी जा रही थी सो दे ये ये यहाँ से जो उसके जो आइडियाज़ औरत की सप्रेशन के मुतालिक डेवलप हुए वो आइडियाज़ उसके अपने कॉन्टेक्स्ट की पैदावार थी वो देख रहा था कि औरतें और बच्चे नॉन स्टॉप फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं ये मैं बात कर रही हूँ एटी थर्टीज़ फ़ोटीज़ फिफ्टीज़ की इन ह्यूमन कंडीशंस में बात कर रहे हैं आ, काम कर रहे हैं इतनी इन ह्यूमन कंडीशंस हैं कि वहाँ पे कोई बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ खाने की फैसिलिटीज़ नहीं है उनके जो घर हैं वो हर भी उनके जो हैं वो मुर्गी के दरबों से भी छोटे हैं और वो कौन लोग थे और वो कहाँ से आए थे मार्क्स ये भी क्वेश्चन कर रहा था कि ये इतनी लेबर सिटी में इंडस्ट्री में कहाँ से आ गई फिर ये देखें कि जब कैपिटलिज्म और वो कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा था तो वो फिर जो लास्ट कैपिटल है वो उसका एक रिज़ल्ट है ना इन सारी ऑब्जर्वेशनस का और इस सोच का और हिस्ट्री की स्टडी का कि जब लेबर की ज़रूरत पड़ी जब मशीन आई और जब चीप लेबर की ज़रूरत पड़ी आपने मैस प्रोडक्शन करनी थी तो उस वक्त लेबर चेहर की तो ख़त्म हो गई तो अब लेबर कहाँ से आएगी आप इम्पोर्ट तो नहीं कर रहे आज लेबर वहाँ जाती है इनलीगली और लीगल से मुल्कों में दुबई ने यू ने अपने आप को बना लिया है माइग्रेंट लेबर पर तो उस वक्त तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वो तो लोग लूटने गए हुए थे रॉ मटीरियल को दूसरे मुल्कों में वहाँ से लेबर तो नहीं लेके आनी थी तो लेबर देहाती इलाकों से आई यूरोप में भी अमेरिका में भी वो जो फार्मिंग वाले लोग थे वो शहरों में आ गए अब वो शहरों में आ गए और वो सड़कों पे हैं वो या वो फैक्ट्रियों में रह रहे हैं या उनका कोई घर नहीं है वो ये सारी मिस्ट्री देख रहा था ये चीप लेबर की जरूरत थी जब सारे मर्द खप गए उस लेबर में तो फिर वही एंगन्स का मशहूर कोर्ट है कि रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर उस विमेन आर रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर जब और जब आपको और लेबर की ज़रूरत पड़ती है और चीप लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो फिर औरत आती है फिर औरत के साथ साथ बच्चा में आता है आप अपने हफीय की मिसाल ले लें आज से पचास साल पहले कराची शहर में गारमेंट्स फैक्ट्रिया और फैक्ट्रीज या मुल्क के अंदर और भी दूसरे भी शहरों में औरत कहाँ थी लेबर में अब बचें भर भर के सुबह जा रही होती हैं लेबर की लेबर वो एंड में आई है लेकिन वो चीप लेबर की ज़रूरत है इंडस्ट्री इंडस्ट्री को तो वो वो शहरों में आ गए शहरों की हालत ख़राब हो गई अब ये सारी जो चीज़ें थी उसका रिसेंटमेंट इंसान भी रिएक्ट करता है तो वो ख़ास तौर पर औरत के लिए बहुत बुरी थी क्योंकि औरत दो जगह पिछ रही थी और मैं आगे आके थोड़े से कोट्स भी बताती हूँ यहाँ से उसकी राइटिंग से औरत घर बाहर भी पिस रही थी पब्लिक में भी वो फैक्ट्रियों में पिस रही थी और घर में माँ बीवी और बेटी के तौर पे पिस रही थी वो उसको वही जिम्मेदारियाँ करा के भी करनी पड़ी थी ये डबल बर्डन ट्रिपल बर्डन का बोझ आज बोझ का कॉन्सेप्ट जो आज लिबरल फेमिनिज्म ने लिया हुआ है ये बेसिकली डबल ऑपरेशन तो मार्क्सिज्म से ही निकला हुआ है तो वो सिचुएशन थी जिसमें मार्क्स लिख रहा था जिसमें नए डेवलप हो रहे थे इदारे और उन इधारों और पुराने इदारे टूट रहे थे और जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो नए प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहा था उसके लिए जैसे इंडस्ट्री थी तो उसके लिए नेबर लॉज की ज़रूरत थी पार्लियामेंट अगर बन गई तो वहाँ तो सिर्फ मर्द बैठे थे तो जो औरत थोड़ी सी अवेयर हुई थी घर से बाहर निकलने निकलने के बाद अब उसको ये अवेयरनेस कॉन्शियसनेस आई कि आ, उसको भी तो इस एक्टिविटी में पार्ट लेना है ना उसकी हालत को बेहतर बनाने के लिए जो लजस्लेशन होगी जो लॉज बनेंगे वो कौन करेगा वो मर्द को तो एहसास नहीं है ना क्योंकि वो उस सिचुएशन में नहीं है तो सफ्रेजिस्ट मूवमेंट शुरू हुई एटीन सिक्सटीज़ में और उसके साथ साथ आप देखिए कि पैरान लिबरल फिलासफर्स भी लिख रहे थे तो जे एस मिल ने सब्जुगेशन ऑफ वेमन लिखी 1868 में तो उसमें ने भी इसी वेमेन आर स्लेश्स ऑफ स्लेट्स का भाई वो मशहूर उसका कोट है कि वो लिखा वो लेकिन फैमनिज़म फे, और लिबरलिज्म एड्रेस कैसे कर रहा था ये विमेन की ऑपरेशन को वो एड्रेस सिस्टम को नहीं कर रहे थे कैपिटलिज्म को नहीं कर रहे थे वो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं चाहते थे वो उसी सिस्टम की रिफॉर्मेशन चाह रहे थे तो जो औरतें निकली जो लिबरल फेमिनिज्म पैदा हुआ या जो वुमेन मूवमेंट शुरू हुई फेमिनिज्म का वर्ड तो उस वेव के लिए अभी नहीं लगा था तो वो बेसिकली डिमांड किया कि राइट टू वोट राइट टू एजुकेशन तो मेरी विलस्टर्न क्राफ्ट ने पहले ही आगे कर दिया था नारा फेमिनिज्म फेमिनिज्म का वर्ड कहाँ से आया आज फेमिनिज्म की बात लिबरल फेमिनिस्ट करती हैं रेडिकल फेमिनिस्ट करती हैं फेमिनिज्म का वर्ड तो मार्क्स से पहले आ गया था मार्क्सिज्म से पहले आ गया था uh, फोरिय ने जो सोश यूटोपियन सोशलिस्ट था जो दोस्त भी था मार्क्स का उसने एक राइटिंग में वर्ड शूज़ किया था वेमेंस अप्रोच वेमेन्स माइंड सेट इन वो समथिंग फॉर वेमेन और उस उस हवाले से वो पॉपुलर नहीं हुआ वो पॉपुलर लेट जाके 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ है बट तो उसके बाद अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में जब मार्क्स लिख रहा था तो मैं इसको उसमें से कुछ कोट्स आपके साथ उसके चेयर करूँगी इस कॉन्टेक्स्ट में उसका टेक्स्ट चेयर करूँगी तो उसमें जो एक क्रक्स थी जो एक समरी जिसको मैं कहूँ मार्क्स की चाल की औरत के मुताल उन राइटिंग्स में को ये थी कि वो मार्क्स के ने मुझा, जो मुशाह किया और जो लिखा उसमें उसने औरत को सेंट्रल पोजीशन थी उसकी की बात की और उसकी राइटिंग सबसे पहली जिसमें से मैंने एक जन लाइने ट्रॉ की हैं वो ये है कि 1844 में 1844 में उसने एक मैनस्क्रिप्ट लिखा पेरिसियन मैंने पेरिस से है वर्ड परीशियन मैनस्क्रिप्ट मार्क्स ने कहा उस अभी ये अर्ली मार्क्स है 1844 का मार्क्स है कि कैपिटलिस्ट मुआरे में शादी यकीन एक मखसूस किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी को जन्म देती है अब ये इसको लिंक करने मेरे उस पॉइंट से कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की पर हुई एग्रेरियन एग्रीकल्चर सिस्टम में जब सरप्लस वैल्यू मैन के पास आई थाउजेंड्स ऑफ हयर्स बैक अब उसको फिक्र हुई कि इस सरप्लस वैल्यू को इनहेरिट कौन करेगा इनहेरिट करने के लिए उसको बनागमस मैरिज की ज़रूरत थी एक मैरिज एक औरत और उस ताकि उसका बच्चा उसको इनहेरिट करे उससे okay. उस टाइम उस तक वो हज़ारों साल पहले तक मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी यानी ब्लड लाइन माँ की तरफ से चलती थी बच्चे की लेकिन सरप्लस वैल्यू के आने के बाद एग्रीकल्चरल सिस्टम में वो बॉय डाया जहाँ पे वो जो क्रॉप थी जो एक्स्ट्रा पैदा हो गई थी वो आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई ठीक है अब वो सरप्लस वैल्यू थी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी तो वो जो उसका उसकी जो इनहेरिटेंस थी उसको उसका भी फिक्र था उसके लिए उस, उसने उसने औरत को डोमेस्टिकेट किया उसने औरत और बच्चे को घर तक महदूम किया और उसने ही वॉन्टेड टू मेक श्योर ये जो पॉइंट्स हैं ये फिर मैंने एंगल्स की राइटिंग से निकाले हैं कि उसने मै, मैं ये महसूस किया कि औरत जो है उसकी फाइटेलिटी उसकी वर्जिनिटी उसकी कैरेक्टर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए ताकि वो उसकी फैमिली में कोई किसी किस्म का आ, कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो अब ये जो सिचुएशन थी इसमें औरत ख़ुद प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई मर्द की इस मुनाकमस मैरिज में इस सरप्लस वेन्यू के दौरान इस इकोनॉमिक सिस्टम में तो हस्बैंड ने वाइफ को ओन करना शुरू कर दिया बाप ने बेटी को ओन करना शुरू कर दिया भाई ने बहन को ओन करना शुरू कर दिया वो जो कमोडिफिकेशन औरत की हुई और जो मेट्रीलियन से पेट्रीनियर पे सोसाइटी आ गई उसको एंगल्स ने फिर लिखा हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ विमेंस डिफीट के औरत हार गई हजारों साल पहले इन बाटी और सामाजिक तब्दीलियों की वजह से और वो हारी हुई औरत और वो कमोडिफाइड और प्राइवेटाइज औरत हजारों साल से किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी रूप uh, में उसका इस उसकी प्राइवेटाइजेशन का उसकी कमोडिफिकेशन का हमें आज भी मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मिलता है और जो बाद में एजेंडा बना फैमिली स्ट्रगल का तो उसने यही कहा उसमें कि और और फिर उसने ये भी कहा कि वो तो एग्रेरियत सिस्टम था मार्क्स ने यह कहा कि अब तो कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया है अब तो वो प, सिस्टम चेंज हो गया है लेकिन वो जो कमोडिफिकेशन और औरत है ऑफ विमेन है वो तो वहीं पे है तो वो इसी उसने कहा कि कैपिटल इस माशरे में और भी अच्छा मार्क्स की राइटिंग्स में शादी और फैमिली बच्चे और बच, फैमिली में औरत ये बहुत सेंट्रल है सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं शादी मनोबमस शादी पे वो बात करता है कि ये प्रॉब प्राइवेट प्रॉपर्टी को जन्म दिया इस मुशरे में आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की बन गई और फिर इसी पे पदिशन मैनिफेस्टो में, में मार्क्स लिखता है इस निज़ाम में औरत एक पूरे पूरे बन गई शिकार बन गई और एक उसको एक नौकर की हैसियत हो गई उसकी और ये वो हज़ारों साल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है और ये नतीजा था एक सोच ग्रेड और सोशल लस्ट का और इकोनॉमिक ग्रेड का जिसकी वजह से औरत की ये जो लोअर पोजीशन है इसको सदियों तक मेंटेन रखा गया क्योंकि ये सिस्टम मेन सिस्टम की बेनिफिट में थी और औरत इंफिनट डिग्रेडिशन का शिकार हो गई दीज आर एग्जैक्टली वर्ड इसकी मैंने शुरू में थोड़ी थोड़ी उर्दू ट्रांसलेशन थो की लेकिन आगे जाके मैं आपको एक्सैक्टली रिजोला Uh, so, इंग्लिश में ही बताऊंगी। तो मार्क्स के पास हुई इंसानी मुआरे में इंसान से इंसान का कुदरती और नागजीर रिश्ता दरअसल औरत और मर्द का रिश्ता है उसने कहा कि ये मैटर और ह्यूमन बीइंग एक रिश्ता सबसे पहला जो रिश्ता है वो औरत और मर्द का रिश्ता है दुनिया में जब इंसान आता है तो वो इंटरेक्शन इंसान से ही होता है और वो माँ होती है और वो बाप होता है या मेल होता है फैमिली में तो वो एक इंटेग्रिखता है और ये सबसे अहम रुकता है उसकी इस फिलॉसफी में टूवर्ड्स पे में जो मार्क्स की तहरीर में औरत और मर्द के इस रिश्ते और रवैये से इंसानी तारीख में मख्तल अदभार पैदा वो जो हिस्टोरिकल स्टेजेस उसने बताई सो so, एक साल के बाद ही उन्नीस सौ चवालीस में मार्क्स ने आ, एक और हवाले से लिखा कि तारीख़ में आ, आम औरत की ज़िंदगी क्यों इन है और अभी है उसने तो देखी ना इनह्यूमन सो so, मार्क्स ने अपने हम यूटोपियन सोशलिस्ट जार्ज फॉर ए जा और काउंसिल से ये ख़्यादात लिए और उनसे एग्री किया फोरे ने अपनी तहरीरों में जिसने फैमनिन का वर्ड फैमन फेमिनिजम का वर्ड दिया था उससे अपनी तहरीरों में औरत के मसाइ और उसकी आ, जो मदरली कैरेक्टराइजेशन थी उसकी बात की कि उसमें इंस्टेंट है एक मदरहुड की और उसकी जो है वो skebert saying for AK the degree of the female emancipation is um, that for emancipation of women, uh, uh, the uh, the, subjugation of, the degree of subjugation of women is not natural. it is artificial, it is man-made and but it is universal. क्योंकि ये जो उसकी सेकंड जो लेवल की जो उसकी कम तर है औरत की हिस्ट्री में रही है ये एक ही सूरत में नहीं रही है हर जगह हर मुल्क में हर आ, हर कल्चर में हर माशरे में हजारों साल में कहीं पे वो दासी के तौर पे भी रही है कहीं पे वो मलका के तौर पे भी रही है कहीं पे वो घर में आ, कुर्बान हुई है और ऐसी भी मतलब मिसालें मौजूद हैं कि जब आसमानी आफात आई तो यंग बच्चियों के खून की कुर्बानी दी गई ये बिखरी पड़ी हैं इस तरह की तो इससे बेसिकली पॉइंट ये था कहने का कि उसकी डिफ़रेंट डिफरेंट सूतें हैं उसकी सब्जुकेशन की सो so, इस तहरीर के फौड़े की तहरीर के फ़ौर वादी मार्क्स ने लिखा अब मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ पाऊंगी in the first form of the germ of uneven distribution of wealth. Quantitatively and quantitatively of labor and property is in the family. family or or platform in justices where the women and children are men's slaves. ये वो 1945 में लिख रहा सो so बेसिकली उसने क्या किया uh, उसने uh, जिसको आसान वर्डों में बर्ड्स में आज हम लिखते हैं कि फैमिली इज द साइट ऑफ विमेन्स ऑपरेशन अपनी जब जड़ें तलाश करनी है विमेन या चाइल्ड की ऑपरेशन की तो आप पहले उस माशरे की फैमिली को स्टडी करें सो so, तकनी दो दहाइयों के बाद उन्नीस सौ अठारह सौ तिरसठ में मैं एमोसिन थी या बार बार निकलते हैं मार्क्स ने लिखा कि निजी में किय वाले निज़ाम में फैमिली जो है वो मालिक के रहरम पर होती है मैन ऑफ द फैमिली पे और फिर इस फैमिली के निज़ाम के अंदर भी इस होती है सो so, स्लेबरी बाहरी नहीं है बात ये देखिए वो टाइम स्लीवरी का पीक था ये तो फिर एटीन सेवेंटीज़ एटीज़ में जब इम्रकर ने जब अमेरिका में स्लेवरी बैन की है तो स्लेवरी बैन वो भी तो स्नेवरी एबॉलिज ओ भी तो स्लेवरी टबियत तो नहीं हुई ना अभी तक बात तो स्लेवरी की हो रही ना और स्नेवरी आज भी है उससे डिफाइव पेसिज है सो द स्लेवरी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स बाय द हेड ऑफ़ द फैमिली को प्योरली एंड सिम्पली uses and exploits them within mm -hmm. the context of the family, the man of the family. So mm -hmm. among, uh, who, uh, um, And we know that something about history knows that also the great social upheavals are impossible without the feminine मेंट यानी हमें ये यकीन हो गया है तारीख पर ठीक कि अगर तारीख बदलेगी अगर कोई बगावतें होंगी अगर कोई अपईवल होगी फैमिली लेवल पे, तो वो औरत के बगैर नहीं होगी जब तक औरत उसके लिए जदोजहद नहीं करेगी और इसी दोस्त तो को उसने खत में बड़े फ़खर से लिखा कि हमारी जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है जो प्लेटफॉर्म था उसमें मिसेस लॉज उसने नाम भी उस औरत का लिखा कि उसको हमने इंटरनेशनल uh, की जनरल काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया है यानी thinking, तो वो ही वाज नॉट जस्ट अ फिलोसफर और थिंकिंग थिंकर ही वॉज एक्टिविस्ट ऑनसो क्यों वही उसकी बात नहीं कि वो फिलोसफर से इंटरप्रेटेड वर्ल्ड द पॉइंट इज टू चेंज इट ये उसी का फेमस कोट है ना कि वो कोशिश कर रहा था उसको चेंज भी करने की उन औरतों को उसने आगे पढ़ाया। सिर्फ तहरीरों में ही नहीं आम तौर पर मार्क्स ने औरतों की तरक्की के लिए कोशा था कम्युनिस्ट ग्रुप इंटरनेशनल की नौजवान कॉमरेड एलिस्ब को पेरिस भेजा जहां पे वो इंटरनेशनल को द पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को मनजम करने के लिए भेजा एलबथ जल्द ही सोशलिस्ट इंटरनेशनल की लीडिंग कॉमरेड बन गई सो so, प्रैक्टिकली भी औरतें सामने आ रही थी सो so, इन चांद तहरीरों से ये पता चलता है कि मार्क्स किस हद तक औरतों की तरक्की को इम्पॉटेंट समझता था और उसका यकीन था कि औरत की तरक्की के बगैर, औरत की साथ साथ तरक्की पैरल तरक्की उसके बगैर मुशरे की तरक्की याशरे में एक पॉजिटिव चेंज नहीं हो सकता सो so, मॉर्गन uh, को उसने एक और लेटर लिखा उसके तो रिलेटर्स उसकी राइटिंग्स में से कुछ कोर्ट्स मैंने निकाले हुए हैं और ज़िंदगी के आखिरी सालों में उसने औरत की पोजीशन uh, के बारे में वो लिखता रहा वो कमिटेड रहा था. तो उसका एक और कोर्ट है द मॉडर्न फैमिली कंटेन्स इन जर्म्स नॉट ओनली ऑफ स्नेदरी But also of serfdom. Our serfdom or mm -hmm. Bim Buris Surati slavery, freaky Jo France me indo Europe me to peasants uh jo te uh jo rural areas may uh serfdom mm -hmm. So it contains in uh, miniature all the antagonisms or Sari Bukhari Fateh mm -hmm. which nature developed widely in society and its state. एंड विच एक्चुअली क्रिएट रेस्टलेसनेस और फिर वो औरत के लिए मिजरी बनती हैं फैमिली एज अ साइप ऑफ ऑपरेशन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर मार्क्स एंड एंगन ऑनवर्ड्स फिर मार्क्सिस के लिए फैमिली की स्टडी इंपॉर्टेंट बन गई कि तो आप जड़ें वहाँ पर तलाश करें फर्स्ट रिलेशनशिप इंसान की जो है वो फैमिली में होती है अब ये फैमिली को हम वो ग्लैमराइज फैमिली वो न्यूक्लियर फैमिली वो आज कैपिटलिज्म की डेवलप की हुई टूट फूट के जॉइट और एक्सटेंडेड फैमिली के टूटने के बाद जो आज की यूरोप अमेरिका की न्यूक्लियर फैमिली है जिसका जिसका एक सेंटेंस बड़ा मशहूर है आपकी फैमिली में कौन है कौन है मी माय हजब मी माय बॉय फ्रेंड एंड माय डॉग सो दैट इज कैपिटलिस्ट न्यूक्लियर फैमिली इज दैट इज लिबरल फैमिलिस्ट फैमिली आई नॉट आई एम नॉट सेल फैमिली बट लाइक दिट देट माइंड दिस काट वॉट द पॉइंट फॉर मेनन ने तो वोरेली की बहुत बात की अब मैं लेनिन पर ज्यादा बात नहीं करना चाह रही लेनिन ने तो प्रोस्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ लिखा लेनिन ने तो अनकंट्रोल्ड लव एंड आउट ऑफ तो वेट रिलेशनशिप्स के बारे में भी लिखा इतना लिखा कि जो कुछ जो कॉमरेड्स थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही और उसके अलावा नेतृत्व फैम्युनिस्ट ने तो यहाँ तक आते वो तो एक कन्जरवेटिव सिक माइंडेड इंसान था नन के मतलब ये लिखा गया कि वो इतना नैरो माइंडेड था कि उस वो उसको औरत की आज़ादी बर्दाश्त नहीं हो रही थी बट इसका पॉइंट ये था मैं उसके कोर्ट्स याद पे नहीं दे रही हूँ कि उसका पॉइंट ये था कि आपको रेवोल्यूशन लाने के लिए आपको रेवोल्यूशन का प्रोसेस जारी करने के लिए हेल्दी फैमिली और हेल्दी फैमिली मेम्बर्स चाहिए सम लिमिटेशन से बाउंड्रीज चाहिए एन वॉज डेटलीस द स्टेट डिकटेटिंग बट काइंड ऑफ फैमिली पीपल विल है उसका पॉइंट ये था कि स्टेट नहीं डिकटेट करेंगी बट हम मोरलिटी में इसको एम्पीट करें ताकि एक हेल्थी मुशरा पैदा हो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से सोशलिस्ट सिस्टम से कम्यनिज़म की तरफ बढ़े सो दैट वॉज बेसिकली हिज अप्रोच बट मार्क्स अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा था क्योंकि मार्क्स और लेन में ये फ़र्क रहा कि लेनेट खुशकस्मत रहा कि उसको दोनों तो चीज़ें मिली छेरी भी मिली और प्रैक्टिस भी मिली यानी उसने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया मार्क्स उनको तो मार्क्स ने तो लिखा एंड ने लिखा लेकिन लेनिन की जिंदगी में ही बॉजिक रेवोल्यूशन हो गया तो अब उसको मौका मिला वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का प्रैक्टिकली अप्लाई करने का तो उस इसलिए मैं उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना चाह रही क्योंकि उसकी जो उसकी जो मार्क्सिस्ट अप्रोच या हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट अप्रोच डेवलप हो रही थी एक तो उ, आ, उसका कॉन्टेक्स चेंज हो रहा था मार्क्स की नस्बत मार्क्स का डिफरेंट था अब उसका डिफरेंट था और ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गई थी रेवोल्यूशन भी आ गया था और फिर वो जो लेजिस्लेशन हो रही थी सोवियट्स में जो सोशलिस्ट सिस्टम में लेजिस्लेशन हो रही थी जो उनको प्रॉब्लम सामने आ रहे थे जो उनको इकोनॉमी के रहे, आ रहे थे और फ्रॉम द डे वन जो वेस्ट से यानी लिबरल कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से जो बालिक रेवोल्यूशन की मुखालफत शुरू हुई थी और वो आज तक जारी है आपने उसका नतीजा कोल्ड वॉर की सूरत में देखा है आपने उसका नतीजा सेकेंड कोल्ड वॉर की सूरत में देखा है अफगानिस्तान में देखा है अब आप यूक्रेन में देख रहे हैं वो जो दुश्मनी शुरू हुई थी वो लंदन के ज़माने से ही शुरू हुई थी अलाबास्ती का बैर बना लिया था वेस्ट ने यूएस एंड यूरोप ने तो वो, वो, वो उसका उसका एक इम्प्लीमेंटेशन में एक हायर एम था इस चीज़ का कि फैमिली भी, भी सही होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन भी सही होने चाहिए इदारे भी इकोनमी भी सही होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम इस रेवोल्यूशन के गल्स को अचीव करेंगे उसके बाद मार्क्स ने लिखा कि चेंज ऑफ डिसेंट यानी ब्लड लाइन फ्रॉम फीमेल लाइन टू मेट्रोनियन टू मेल लाइन वॉज एक्चुअली पनिशियस फ्रॉम द पोजिशन वो यही लिख रहा था कि ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है ये जो इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ, हुआ है जो लेबर को मॉडिफाई हुई है सदियों में ये उसका नतीजा है औरत की सब्जुकेशन फिर उसने इसको एक्चुअली फिर ओल्ड एंशंट सिविलाइजेशन से भी अटैच किया उसने मज़हब से भी किया इसको सो so उसका एक हम असर मुफ़ हनरी मै मे ब्रिटिश आ, वो था इंग्लिश फिलोसफर था उसने कुछ लिखा उसने लिखा कि ऑल ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मे और मे नॉट हैव बीन

और पेटी मतलब ये कि ये जो फैमिली पेट्रकड फैमिली है दैट्स ओके ओकेर इज अरार्टी इन द फैमिली सो दिस इज वेरी लिबरल अप्रोच उसका जवाब मार्क्स ने बहुत रिएक्ट किया उसने उसने जवाब ये दिया कि दिस ब्लॉक हेडेड इंग्लिश मैन उसका उसको कहा कहाज पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज द पेट्रीआर यानी मेल हेड ऑफ द फैमिली हुज पॉइंट ऑफ द डिपार्चर इज पी टी ही कैन नॉट पुट आउट ऑफ हिस हेड इंग्लिश प्राइवेट फैमिली आफ्टर ऑल यानी वो उसको तो वो डिफेंड करेगा ही उनको उसको कोई बेहतर सूरत फैमिली की नजर नहीं आती सो इसक मार्क्स जो है वो विमेन विमेन क्वेश्चन फैमिली स्ट्रक्चर क्योंकि फैमिली पे इसलिए इतना लिखा जा रहा था ख़ासतौर पे मार्क्स और फिर एंगल्स कि फैमिली यानी औरत की जो लाइफ थी बाहर और अंदर वो फैमिली के साथ ही अटैच थी तो औरत के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसको फैमिली को ही स्टडी करना था um, बल्कि उल्टा मार्क्स ने मेन का मजाक उड़ाया और वो अभी भी आ, के अभी भी वो रोमन पेट्रियाल एंड ग्रीक एंड इजिप्शियन ओल्ड सिविलाइजेशन की तरह की फैमिली और उसके मसाइल से जुड़ा हुआ है और उस ये कुछ किस्म समझता है कि वो टूट गए तो ये वाली फैमिली आ गई सो अपनी वफात से तीन साल पहले अपने एक और फॉर में मैनस्क्रिप्ट के ड्राफ्ट में मार्क्स ने तचवीस की सप्रेशन ऑफ ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द कोड एक जो मैनस्क्रिप्ट लिखा था द कोड एस्टैब्लिशिंग द इन ऑफ विमेन इन रिलेशन टू मैन एंड इक्वालिटी ऑफ वेज फॉर इक्वल लेबर दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड अच्छा अब वो वर्कर की जब बात हो रही थी तो वर्कर आदमी की नहीं बात हो रही थी वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे हर जगह औरत को इस लिहाज से उनके लिए वर्कर वर्कर था वर्कर उसमें औरत भी थी और मर्द भी था उसके लिए स्पेशली वुमेन वर्कर और वर्कर की बात नहीं होती थी वर्कर के राइट का मतलब था औरत के और मर्द के दोनों के सो मार्क्स थे पेट्रर्टी को और फैमिली की जड़ों को पेट्रर्कन फैमिली की जड़ों को पेसिटिको रोमन ग्रीक इजिप्शियन सिविलइजेशन और उनकी तहजीबों में तलाश किया और और एक बड़ा सेमिनल उसका और फिर वो एंगल्स का सेंटेंस है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है इट्स नॉट नेचुरल ये इंसान का बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है ये एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स में बनता है वही बोर्ड ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बनता है ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से बनता है तारीखी प्रोसेस से और ये तबदील भी, भी किया जाता है किया जा सकता है और अबॉलिश किया जा सकता है इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जब आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा तो आपकी फैमिली की सूरत भी चेंज हो जाएगी अगर आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन मुनसिफ होगा जस्ट होगा जिसमें ह्यूमंस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो आपकी फैमिली में भी वो इक्वालिटी और एकटेरियनिज़म इन्फिल्ट्रेट करेगा दैट वाज द पॉइंट फिर उसके बाद उसने पटर्नल पावर पे भी लिखा फादर की पावर पे भी लिखा उसने अनजस्ट डिविजन ऑफ लेबर पे भी लिखा जैसे कोई बात औरत ऑफ स्लेव है फैमिली के अंदर के काम तो दोनों का के बारे जाती है और आप देखें कि ये सारी चीज़ें हमारे विघित बिगड़ी पड़ी हैं जाने मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की औरत है आज हमारे माशरे में शहरों में या देहातों में वो भी काम करके आती है वो भी काम करके आता है काम घर का कौन कर रहा होता है मुझे और आपको सबको पता है और फिर हमें वो काम सही नहीं हो रहा होता तो फिर जो उसकी दुलाई होती है कि उसको सिस्टम उसको फर्ट वॉशा कोई बचाने वाला नहीं होता और जिसको बहुत ने लिबरल फेमनिज्म ने उसको डबल बर्डन का नाम दिया तो बात वही है कि जब जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होगा तो वो जस्ट इंसाफ के इदारे पैदा करेगा जब जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होगा मुनसिफ़ इकोनॉमिक सिस्टम होगा तो वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को जस्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस को पैदा करेगा और उसके नतीजे में वो इनफिल्ट्रेट करेंगी पूरी चीज़ें फैमिली के सिस्टम पर इसी और उसके बाद अट्ठारह सौ चौबीस में के आखिर में मार्क्स की तरीरों ने में फैमिली की तारीख की चढ़ों के बारे में उसने बार बार लिखा 1863 में लिख रहा है 1880 में लिख रहा है फिर पीछे हम जाते हैं तो हमें कुछ और मिल जाता है और उसकी तबका सूरत और उसका मजहब से ताल्लुक भी ट्रेस किया अब उसने इसका मजहब से भी ताल्लुक ट्रेस दिया कि मज़हबों ने इट रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन के मजहबों ने एंडोस की हरा फैमिली में इसको एंडोस किया और वो कंटिन्यू है और वो हर मज़हब की उसने बात की और उसके बाद उसने ये कहा कि फैमिली की ये सूरत मोड ऑफ़ प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक्ड है और ये लिंक रहेगी उस वक्त तक जब तक कि मोड ऑफ़ प्रोडक्शन जस्ट नहीं हो जाएगा मुनसिब नहीं हो जाएगा और उसी वक्त ही जब ये सिस्टम जस्ट होंगे जब ये रेवोल्यूशन आ जाएगा तो उस वक्त और की औरत की है चेंज होगी और बेहतर होगी उसके बाद तो इस मैनिफेस्टो में से क्या लिखा जो बहुत मशहूर उसका सेमिनल वर्क है टास्क कैफे के बाद ब्रेक इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयज़ ऑल फैमिली रिलेशन एंड फैमिली टाइस ये पुस्तक वक्त जो क्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी उसके ज़माने में वो उसकी बात कर रहा था और हमें आज भी पता है अब हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसमें मेल और फीमेल यंग वर्कर्स गर्ल्स यंग सोलह साल की होती हैं अठारह साल पर शनाख्ती कार्ड मिल बना के मां बाप उसको भी जॉब के लिए भेज देते हैं। इस वक्त इतनी डिमांड है उस लेबर की औरत की लेबर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो उस यूरोप दो सौ साल पहले गुजर चुका था इन चीज़ों से तो उसने कहा कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना ये जो इंडस्ट्रियल क्रोइी है ये एक्चुअली कर देती है में हारमोनी को फैमिली में उसमें उससे उस औरत की जिंदगी ज्यादा मुतासर होती है बेशुमार और भी बस आते हैं लेकिन यहाँ फैमिली औरत और, और मार्क्स के हवाले से मैं थोड़ा सा मुख्तर करके इसको अप करके नेक्स्ट स्टेप जो है एक्चुअली वो एंगल दी इन डायरेक्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ वेमेन एंड चिल्ड्रेन देर वेजेस दे व नॉट अर्निंग अब वो औरत और बच्चा भी कमाई कर रहा है सदी में और वो जब वो कमाई कर रहा है जो पहले जो फैमिली का मैन था तो उसकी इन थी अर्निंग थी जिससे वो कंफर्टेबी फैमिली रहती थी अब सारे घर के लोग काम कर रहे हैं और जिसको आज हम कहते हैं कि पूरा नहीं पहनता, पूरा नहीं पढ़ता तो तो उसने कहा कि उसमें इंसानी उसको प्रॉब्लम नहीं है कि काम करे और बच्चा नहीं काम करे और लेकिन वो कह ही रहा है कि उससे फैमिली में रिलेशनशिप तबाह हो रही है क्योंकि औरत जो है वो स्ट्रेस में है वो बर्डन में है तो जाहिर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना वो चिड़चिड़ी भी है उसकी सेहत भी ठीक नहीं है उसको प्रॉब्लम्स हैं तो उससे ये जो हर कोई काम कर रहा है इससे फैमिली इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहा है क्योंकि औरत पे ये बहुत ज़्यादा पड़ गया है एंड वीमेन इज मोर एक्सप्लाइटेड देन मैन तो कैपिटलिज्म में तो मैन एंड वेमन बोथ हर एक्सप्लाइटेड लेबर सो इन कैपिटलिस्ट सिस्टम स्टार्टेड द जर्म ऑफ अनिकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड प्रॉपर्टी तो यहीं पर फिर वो जट ती भी ढूंढता है कि अब प्रॉपर्टी भी अन इवन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो विमेन आर मदरस ऑफ द फैमिली बिफोर दे बिकेम वेज लेबरर्स के आज विमेन वेज लेबर बन गई हैं ये माई थी पहने ये तो ऐसा अच्छा लगता है कोई हमारे इर्द गिर्द की बात कर रहा है लेकिन वो डेढ़ सौ साल पहले की बात कर रहे हैं हम कि वो तो माए थी वो तो अब बेच लेबर बन गई हैं दिहाड़ी पे काम करती हैं ये 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 कंसर्न कंसर्न ह्यूमन था मार्क्सिज्म का या मार्क्स का वर मदर्स ऑफ द फैमिली एंड बिफोर दे बिकेम द बेच लेबर्स एंड सो ये सब कुछ मार्क्स के टेक्स्ट से लिए हुए वो नजरियात हैं और अभी मैंने पूरे नहीं लिए हैं अभी मुझे थोड़ा रुकना पड़ा इसमें बहुत राइटिंग्स उसकी बिखरी पड़ी हैं पर्टिकुलरली ऑन पेमेंट सो so, वट फाइंड kind of... अब जब एक्डेमिकली भी हम देखते हैं इन लिबरल फेमनिस्ट स्कॉलर्स हैं यूरोप अमेरिका में क्या बात करते हैं कि मार्क्स में रेलिट है मार्क्स ने क्या किया मार्क्स तो वो तो इकोनॉमिक डिटर्मिस्ट है वो तो क्लासिस्ट है क्लास uh, ये कर दी है उसने तो सोसाइटी की भाई क्लास आपके हाँ भी कर रही है सब कुछ लेकिन आपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है आपके भी पुल्क में क्लास है आपकी सोसाइटी में भी क्लास है और उसमें पिस रहे हैं लोग लेकिन जब मैं ये वहां जब पढ़ाती हूँ पॉलिटिक्स ऑफ डिवेलपमेंट के कोर्सेज डेवलपमेंट स्टडीज़ में तकरीबन सात आठ साल पढ़ाए तो डेवलपमेंट तो की डेफिनेशन में स्टूडेंट से रामनी डेफिनेशन करवाती है तो वो फॉबल्टी की डेफिनेशन उनसे करवाई मैं फिर मैंने उनके उनसे क्लास की बात की अब वो यंग बच्चे लाइक यंग यंग नॉट चौबीस पच्चीस के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यानी दे कि तो किस क्लास की बात करते हैं अमेरिका में तो क्लास नहीं है क्लास होगी आप लोग तो वो क्या अच्छा चले एक एक एक्सरसाइज करते हैं आपने ये जो बैक पहना हुआ है ये जो पर्स लिया हुआ है ये कितने का है और आप ये कहा से लेते आप कौन सी शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं आप तो उस शॉपिंग मॉल में गई जो बिल्कुल हाई आई था जिस जिसका मुझे पता था मैंने कहा अब ये सारी चीज़ें लिखें अभी आपकी क्लास सामने आ रही है डिनाइल में है वेस्ट डिनाइल में है मार्क्सिज्म से डिनाइल में है क्लास से डिनाइल में है मोड ऑफ प्रोडक्शन से डिनाइल में है क्या मसला है उनका मसला ये है कि कैपिटलिज्म ने डिवाइड कर दिया है ह्यूमन सोसाइटी को उस वक्त भी कर रहा था और आज भी कर दिया है ये जो आप वर्ड सुनते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यंग बच्चों को तो बहुत पता है इस चीज का इंटरसेक्शनैलिटी अभी मैंने एक कोर्स पढ़ाया है एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे और वहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं बीस इक्कीस साल के बच्चे इंटरसेक्शनल हैं आपको पता भी है इंटरसेक्शनलिटी क्या है आपको पता भी है कि ये आप ग, ग, किस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यस देखें मैम बात यह है कि mm. हम जब औरत की mm. आ, आ, सिचुएशन पे जब हम कुछ लिखते हैं या हमने रिसर्च करनी है तो हमें एक अप्रोच चाहिए तो फिर हम इसको देखते हैं जेंडर क्लास रेस एंड एथ हिस्ट्री ओके जेंडर क्लास रेस एथनिस्टी अब जेंडर नहीं अब ट्रांसजेंडर एल बी एल जी ए, क्या एल एच ई क्यों 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 प्लस तो मैंने कहा आप ये आप ये सोचें कि ये डिविजन्स कौन कर पैदा कर रहे हैं सोसाइटी में ये तो नहीं थी ये पचास साल या सौ साल पहले नहीं थी ये बकायदा पैदा करके आपको पीछे जा रही हैं आप डिवाइड हो रहे हैं आप अपनी क्लास को देखें आप, आप आप आपकी क्लास से आप कनेक्टेड हैं लेकिन आप ब्लाइंडली ये नहीं देख रहे आप इनमें पढ़ रहे हैं मैंने ये कल बात एक और भी जगह की है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैपिटलिज्म का टूल देखे कैपिटलिज्म और बाय बाय अच्छा अभी क्या डिवाइड एंड रूल हम बात करते हैं ना कॉलोनियलिज्म की डिवाइड एंड रूल हर हर कोई हमारे यहां जानता है कैपिटलिज्म का क्या मंत्रा है डिवाइड एंड रूल डिवाइड एंड सेल डिवाइड एंड मैनुफैक्चर डिवाइड एंड सेल डिवाइड So that even don't get together on one platform and they don't resist and react. So, black, white, Latino, Asian American, Geno American, Brown American, what is this? Everything. Uh, the glass cuts across all the boundaries. The rich black, the elite black. नीट ब्लैक वीमेन आर बियरिंग द सेम क्लोथ सेम बैग्स सेम मेकअप एज दीट वाइट आर बेयरिंग व कॉमनिटी बिटवीन बोथ ऑफ द्लास द मनी सो मनी इज डिटर्मिनेट सो अगर रोल रही है औरत एक वेट्रेस ब्लैक वेट्रेस अमेरिका के रेस्टोरेंट में रोल रही है और हरेसमेंट की शिकार है तो एक लैटिनो एक मैक्सिकन और एक वाइट वेट्रेस भी रोल रही है ये आइडेंटिफाई करें ये मैं करती हूँ वहाँ क्लास में बात लेकिन जाहिर है कि मतलब ये चीज़ ऐसे तो नहीं आता बट बट लाइक सोचना तो शुरू होते हैं कि वो ये जो बात हो रही है इस वक्त डिवाइड की ये उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि ये कैपिटलिज्म डिवाइड करके रूल करता है जैसे कलोरियलिज्म ने किया और आज भी कर रहा है उसी तरह से इसका जो क्रट्स है वो मादी तारीख पे ही मैं ला के फिर इसको ख़त्म करूँगी कि हंटर गैदर सोसाइटी से, से स्टोन एज तक एग्रेरियन सर्फ एंड इकॉनमी सरप्लस वैल्यू इनहेरिटेंस इमरजेंस ऑफ Class class domati, the Marxgatha case is a history of class struggle, class conflict. So issue of paternity, changing uh, division, uh, challenging division of labor, monogamy, power uh, of um, father, from matrilineal to patrilineal, historical moment of women's defeat, that moment is still there. That moment is still there in one way or other. सो वैदर इट्स अ वाइट मिडिल क्लास और थोड़ी अपर मिडिल क्लास में मैं वो भी तो उसको भी मैंने छपकी मरचते हुए देखा है सो वट लिपरेशन वट लिपरेशन आप सुबह में छः बजे ड्राइव करती हैं दो घंटे के उसमें एक मल्टी नेशनल के ऑफिस में न्यूयॉर्क में फंक्शन है आप सुबह से आ रही होती हैं और रास्ते पे आम, आ, सिग्नल पे आप देखें ज़रा लेफ्ट या राइट देखें अगर फीमेल ट्राइवर है वो धड़ाथड़प का फंक कर रही है अपना उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो घर में अपने आप को इंजॉय कर सके अपने आप को बेहतर बना सके वो वहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे तो वो योगर्ट का एक डब्बा रहे और वो जल्दी जल्दी एनर्जी ले रही है सो दीज आर थिंग्स लाइक अगर हम ये टूल्स इस्तेमाल करें अगर ये मानसिक अप्रोच इस्तेमाल करें तो ये हमें हर जगह नजर आती हैं बट लेकिन वो ये ना अल्लाह वास्ते का बहर है ना वेस्ट को यूरोप अमेरिका को फिर वही बात है लिबरल निप्रल, लिबरलिज्म लिबरल फेमिनिज्म लिबरलिज्म एंड प्लस अभी तक रूस की दुश्मनी नहीं जा रही पाई वो टूट टूट गया अब औरत पिस रही है मर रही है चाहे वो यूक्रेन औरत है चाहे वो रशियन औरत है हमारी औरत मर गई यहाँ पे बच्चों को जहाद पे भेजते भेजते लड़, लड़ाई आपने लड़ी यहाँ पे अफग़ानिस्तान की बेबाई हो गई शहीद हो गए बच्चे Um, uh, आपने आपने उनको बेघर कर दिया वो पनाह दाहों में वो उस ख़ैमों में सारी जिंदगी उनकी गुजर गई सो वो रोज दुश्मनी यहाँ वो दुश्मन चाहिए कैपिटलिज्म को uh, सरमादारी निज़ाम को एक दुश्मन भी चाहिए और कंज्यूमर और कस्टमर भी चाहिए और वो दुश्मन अब चाइना भी है दुश्मन सो एनी वे वरना बात लंबी हो जाएगी तो वो एटीन फिफ्टी फोर के बाद फिर आइंदा जो आगे लेनन ने सॉरी एंगट्स ने फिर एटीन फोर्टी फोर में थ्री में डेथ थ्री मार्थ एटीन एटी फोर में फिर लेन लेनन ने ये राइटिंग अपने सामने रख के और और राइटिंग उसमें फिर तो और फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पेट्र तो उसने उसने बेसिकली यही चीज़ें बात की ना कि ये जो क्या है ये वहाँ बहुत छिड़िया थी और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है वो एक सनन बहुत फन गया मार्क्सिज्म का तो मैं अपनी जो डिस्कशन है ना मार्क्सिज्म एंड वेमेन क्वेश्चन को अभी यहाँ पे स्टॉप करना चाहती हूँ थोड़ा सा लनन अभी नाइनटीन सेंचुरी में है उसको टच करके लेनिन एंड ऑनवर्ड्स जो है मार्क्सिज्म मार्क पोस्ट मार्क्स मार्क्सिज्म उस पर एकदा नशिश की जरूरत होगी तो एटीन एटी फोर के बाद आगे क्या करना है और क्या मंदिया है और क्या नहीं करना ने तब्दीली और ये कैसे आएगी ये क्वेश्चन लैनन के सामने थे मार्क्स की भी डेथ होगी लेनिन की भी लेनिन को दो एडवेंचर मिले तारीखी और नजरियाती बुनियादें उसको मिल गई मार्क्स और लिनन से और प्लस बिफोर सोशल एक्शोटोपिय से औरत और तो मर्द की हैसीयत का तज्जिया भी इसको मिल गया अब उसने उसको कंटेक्चुलाइज करना था रशिया के कॉन्टेक्स में अपनी सोसाइटी के कॉन्टेक्स दूसरा बड़ा एडवेंचर लिनन को जो मिला वो ये मिला के हिस्ट्री ने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज आइडियाज 1917 का रशियन रेवोल्यूशन बर्चविक रेवोल्यूशन उसको भी वक्त ने मौका कम दिया उसको इम्प्लीमेंट करने का एंड सो देन आफ्टर डैट स्टालिन पीरियड आता है ऑन वर्ड स्टेट्स डिफरेंट्स डिफरेंट स्टोरी बट लेन ने जितना मैक्सिमम हो सकता था उसने उसको इम्प्लीमेंट करने की चार पाँच साल तक कोशिश एक और उस पे भी उसका फोकस बहुत ज़्यादा औरत पे रहा और उसने कॉमरेड्स वीमेल कॉमरेड्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजिशंस दी और बहुत ज़्यादा उसने आगे लेके आया जिसके नतीजे में क्लारा जेटिन ने जब एडवोकेसी की इंटरनेशनल वीमेंस डे की मार्च एक मार्च को उसकी एक बाकायदा कन्वर्सेशन हुई लंडन के साथ वो नेट पे अवेलेबल है कन्वर्सेशन उसको ही दो तीन घंटे की उसकी मुलाकात हुई उसने पूरा वो लिखा कि लेनिन कैसे आर्ग्यू कर रहा था कि तुम जो कर रही हो वो कहाँ से औरत के लिए वो कहाँ से ही है कहाँ गलत है कहाँ पे किस चीफ को वो वो प्रोस्टिट्यूशन पे ये बहुत ज़्यादा कंसर्न था चूँकि वो औरत बढ़ गई थी और स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू बाई बॉट और फिर उसके बाद वो जो है वो माँ के राइट्स मदर राइट्स चिल्ड्रन राइट्स उस पर बहुत कंसर्न था एक ही पॉइंट था उसका कि जब तक ये इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे सोशलिस्ट आ, सिस्टम में उस वक्त तक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आगे नहीं पड़ेगा ये इश्यूज एड्रेस करने बहुत ही ज़रूरी हैं लेनिन ने इस इनकलाब के जरिए अपनी तरफ से उसने hmm. ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और आ, मैं यहाँ पे टोक तो देती हूँ क्योंकि लनन का जो असली पार्ट है जो उसकी असली राइटिंग है विमेन क्वेश्चन पे आ, या सोशल इश्यूज पे वो अभी मैंने डिस्कस नहीं की क्योंकि आज के लिए मार्क्स और एनीग्स की काफ़ी हैं बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपके पैटर्न का <laughs> बहुत से और बहुत सारी चीज़ें आपको वाजे भी हुई होंगी सवाले से उन्होंने बात की यहाँ में जो भी सवालों से जैसे वो भी बात की थी मुतनाजा चीजें भी बहुत सारी है तो फ्लोर ओपन है कौन सवाल करना

क्लोज था और उनका कंसर्न uh, मतलब वो अभी uh, उसमें क्रैक्स नहीं डले थे मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्रैक्स नहीं डले थे क्रैक्स तो डल रहे थे मोड ऑफ़ प्रोडक्शन के चेंज होने से औरत बाहर आ रही थी तो वो ये इसके अलावा भी और बहुत सी एग्जाम्पल है जिसमें उसने औरतों को आगे भेजा और फिर उसके बाद ये काम मार्क्स लेनिन ने किया ना तो लेकिन वो एलिजब को उसने भेजा मिसेस लॉ को भेजा मिसेस लॉ को नॉमिनेट किया इंटरनेशनल के लिए और देखिए बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में नहीं होती अब अगेन आई मीन आई डोंट वांट टू मेक मार्क्सिज्म एंड डॉगमा यानी मुझे हर चीज़ उसकी उसके लिए मुझे ये कोई फ्लॉलेस थोरी नहीं लगती या एक कोई ये फ्लॉलेस फ़िलासफी uh, नहीं है क्योंकि ये तो ग्रो करती है ना उसके साथ वक्त के साथ तो uh, मेरे अपने बहुत सारे इश्यूज हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ जिसका आज यहाँ पे टाइम नहीं था um, लेकिन uh, um, जितनी कोशिश उस वक्त हो सकती थी वो हुई और वो असल में वो एक्टिविस्ट तो था वो उसके साथ ही और वो लेकिन वो ज़्यादा राइटिंग में थे ज़्यादातर वो फिलोसफाइजिंग द थिंग्स जिसको कहते हैं ना कि वो अभी थ्योराइज हो रहे थे फिलोसफाइज कर रहे थे वो तो वो बल्कि वे पुटिन कर रहे थे को, oh. तो वो प्रैक्टिकली देखे आप ये देखें कि वो उस वक्त अपोजिशन कितनी थी इस थाट को वो छह महीने से ज्यादा उसको एक जगह नौकरी पे नहीं रखा जाता था उसको निकाल देते थे वो इतना फिरा ए, मुल्कों, मुल्कों फिरा यूरोप में बेघर हो गया खाने को नहीं होता था एंगल्स उसके लिए पेन और पेपर लेके आता था और उसकी बेटी उसकी बीवी बीमार थी और उसकी बीवी बीमार थी वो बग़ैर दवाई के उसकी डेथ हो गई थी हर मुल्क से वो मुल्क बदर होता था वो ये आइडियाज़ थे ना जिनकी वजह से हो रहा था क्योंकि ये जो इलीठ ये जो इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में आइडियाज़ थे वो उसके लिए उनके लिए ये ख़तरा था चाहे वो सॉक्रेटिस था और चाहे ये मार्क्स था अब यहाँ पे तो उसको जहर का प्याला नहीं पिला सकते थे यहाँ पे ये था कि उसको अखबार ने निकाल दिया आ, किसी नौकरी ने यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया आ, मुल्क ने मुल्क बदल कर दिया तो अल्टीमेटली आके वो कहाँ मरा इंग्लैंड में और फिर सारी ज़िंदगी उसने वहीं पर अपने ज़िंदगी गुजारी उसको पनाह मिल गई तो अब वो ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन को भी फेस करना थोराइज़ भी करना आइडियाज़ को और फिर उसके बाद जहाँ मौका मिलना वहाँ पे एक्टिविज्म भी करना सो सो मैनी थिंग्स टुगेदर और फिर वही बात है कि बल्कि मैं तो अब चूँकि ये टॉपिक किस तरह से है विमेन के इशू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस आइडियाज़ को हाईलाइट करें लेकिन अदरवाइज एक जनरली जो मैं पर्स समझती हूँ कि मार्क्स को औरत और मर्द के तो कॉन्टेक्स में पढ़ने की बात ही नहीं है उसको तो ह्यूमन बीइंग के के कॉन्टेक्स में पढ़ने ह्यूमन ह्यूमन इंसान के पढ़ने की बात है देखिए तारीख में हिस्टोरियोग्राफी में जो रेवोल्यूशन आया वो ये आया कि तारीख में पहली दफ़ा मार्क्स ने ही पुट ह्यूमन बींग्स इन देंटर ऑफ हिस्ट्री कि इसकी बात करो इंसान की बात करो वो जो ऊपर देवमालाई दास्ाने हैं वो जो गरज चमक होती है तो कौन सा खुदा नाराज हो गया है वेदर की उसकी मत बात करो जो जो आप आपके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं ये मटीरियल मुसीबतें हैं तो आप उसकी बात करो जो इनको भुगत रहा है तो वो इंसान जब उसने इंसान को सेंटर में रखा ना तारीफ के दायरे में तो वो इंसान मर्द नहीं था वो औरत और मर्द दोनों थे और इसमें अगर उसके पास ये गुंजाइश नहीं मिली कि वो औरत को किसी प्लेटफॉर्म पे ला सके तो, तो ये आप तो उसके हालात देख लें और फिर मैं आखिर में यही कहती हूँ कि देखिए बात वो हम जबरदस्ती असल में उसमें से औरत को ढूंढ रहे हैं अभी यह भी नहीं करना चाहिए यहाँ तो वर्कर की जब बात हो रही है तो वो ह्यूमन एक्सप्लाइटेशन की बात हो रही है तो वो दोनों की हो रही है औरत तो मर्द की हो रही है वो ये तो नहीं कह रहा मैन इज एक्सप्लाइटेड तो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुनाइट लिखा हुआ है ना कबर पे चिलावतनी में वो इतना बड़ा ग्लोबल मैसेज दे गया है World, अब वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड अब जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं ना अमेरिका में जो यूनिवर्सिटियों में हैं और जो स्टूडेंट उनसे ये बात करती हूँ कि अब आप ये देखेंगे कि बाक्स ने ये तो नहीं लिखा था कि कौन सी एथनिस्टी कौन सी रिलीजन और कौन से कलर और कौन सी रेस के वर्कर्स यूनाइट हो जाए वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट औरत और मर्द दोनों वर्कर हैं

मेट्रीलिनियन मेट्रीआर्कल एंड मेट्रीलोकल मेट्रीलिनियन सोसाइटीज में भी नॉट नेसेसरिली औरत के पास कंट्रोल था नॉट नेसेसरी डिपेंड करता था कि औरत के पास कितनी इकोनॉमिक पावर है तो फिर वो पावरफुल बनती थी और वो चाहे पेट्रीआरकल फैमिली में आज हमारी औरतें नहीं देखी बहुत सारी ऐसी हैं ना एक सर्टन क्लास की दे आर वेरी वेरी पावरफुल

बात वही है ना पीटीडी को ठी दानी उधर कमली भी से आने बात तो यही है ना कि भाई जिसके पास सेपलेस वैल्यू है जी बारी है पावर उधर या फिर पीरों के पास पावर है लेकिन पीरों के पास भी चंडा है उसकी भी उसकी भी पावर है पैसे की जी अच्छा बहुत अच्छा वेरी कप्पी है तू बट वॉनिंग

ठीक है एंड पॉलिटिकल एंड लीगल फैसिलिटीज तो वो 1867 में हुई थी तो मार्क्स तो पहले से लिख रहा था विद अदर थे रेक इन द दिस वाज थिंग्स विच आर हैव यू मार्क्स सेम लाइन इन द ऑलवेज पॉलिटिकल की अपनी बात स्पेशली द क्वेश्चन ऑफ जेंडर जो सप्रेशन भी है ह्यूमन भी तो बाइनरी जेंडर की जो अंडरस्टैंडिंग है बाद कॉन्फ्लिक्ट को उस एड्रेस किया और मॉडल किया वो गायर था और शायद उसमें से कुछ ने शायद उस वक्त इस तरह आइडेंटिफाई नहीं हो सकी कल्चर को मतलब जिसके बाद में फ्राइट नहीं जाके दूसरे तरीके से एंगेज किया तो कैंड पी के बाइनरी इशूज़ हैं ये कैपिटलिज्म का इंसानों को डिवाइड करने का एक तरीका है यू मे अग्री विद मी और यू मे नॉट अग्री विद मी ये बहुत नया फन है जब तक मैं स्टूडेंट थी नाइनटीन तक जब मैं पी एच डी कर रही थी तो जेंडर का वर्ड नहीं यूज़ होता था मेरे मेरे पीएचडी के डिसर्टेशन जेंडर नहीं यूज़ होता था जेंडर तो 2000 लेट लेट नाइन्टीज़ में आया है जेंडर का वर्ड ही जो कॉइन हुआ है वो 1972 में हुआ है और वो इस परपज़ के लिए नहीं यूज़ हुआ था वो तो सोशियोलॉजी में यूज़ हुआ था ओकले ने उसको यूज़ किया था एक आर्टिकल में तो जेंडर को तो हाईजेक किया है यूएन ने और फिर एन ने और फिर डोनर एजेंसीज ने तो जेंडर इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी कैपिटलिस्ट टूल नथिंग एल्स बल्कि एक एक मूवमेंट है जेंडर के ख़िलाफ़ एकेडमिक मूवमेंट विमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट जो इस्टेब्लिश हुए तो विमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट की जो पुरानी जो वो हेड्स और प्रोफेसर एलिसन जैगर ये लोग जो सेवेंटीज़ की बात है जब नए नए इस्टेबलिश हुए थे विमेन स्टडीज वो तो रिएक्ट करती हैं मैं आई पर्सनली रिएक्ट आई टीच कोर्स ऑन जेंडर बट आई रिएक्ट बिकॉज औरत गायब हो जाती है क्यों हम औरत को क्यों ना हम ये क्यों ना एंड इस्लाम वाई डू वी से जेंडर एंड इस्लाम वो यहां तक ये बात आई है कि ये एक लिबरल फेमनिज्म की और लिबरलिज्म की कॉन्स्परेसी थी इस तरह की अटेंशन डाइवर्टिंग टर्मिनोलॉजी लाकर टू टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्राम रियल इश्यूज मार्क्स उस वक्त औरत की बात कर रहा था क्वालटाई ने और वो उसने विलस्टन क्राफ्ट ने uh, उससे भी पहले बात की थी जेंडर सो बात करनी है तो औरत की करे ना ये जेंडर में भी तो आप औरत की बात करते हैं लेकिन आप औरत का नाम लेते हुए क्यों शर्माते हैं सो so, इस पर यह एक कंट्रोवर्शियल टर्म है एंड आई ऑल्सो कंटेस्ट दैट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में जब कोर्स पढ़ा रही थी तो मेरे पास चॉइसेस थी तो मैंने अपने कोर्सेज के टाइटल चेंज करवाए थे मैंने जेंडर एंड पॉलिटिक्स को वेमेन एंड पॉलिटिक्स करवाया था क्योंकि भाई मैं तो ट्रेस कर रही हूं वेमेन की पोलिटिकल थेरी में हिस्ट्री तो आप ये जेंडर अपने पास रखें सो so, जेंडर ये तो एक माफिया डिवेलप हुआ है ना जेंडर का जेंडर एक्सपर्ट हैं जेंडर एनालिस्ट हैं जेंडर डोनेशन आ रही हैं जेंडर दिस जेंडर दैट यहाँ वट डू यू मीन जेंडर ट्रेनर्स हैं कम ऑन ये पूरा एक बिजनेस है ये यूएन की बैकिंग के साथ डोनर एजेंसीज ने डेवलप किया है ये फिर न्यो रिबरल कॉन्स्परेंसी है ये कैपिटलिस्ट कॉन्स्परेंसी है और तुमको ये छोटे छोटे खिलौने देख के बिजी रखो तो 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 मार्क्सिज्म देखिए अ, 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 मैच करने की हमें जरूरत क्या है इट्स एंटायरली अ डिफरेंट डिफरेंट जिसको कहते हैं कि पैराडाइम एक डिफरेंट इशू है ये एक पर्सनल है ये एक फेथ और एक बिलीव की बात है मार्क्सिज्म बात कर रहा है सिस्टम की वो तो आइडिया की नहीं बात कर रहा ना वो तो एक मटेरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि वो वो चेज पहले तो हमने इस्लाम में या मजहब में सबसे पहले तो फेथ हमें ईमान होता है ना ईमान लाना है जब वो मार्क्सिज्म की बात होती है तो वहाँ ईमान की तो कोई बात ही नहीं हो रही ना आपने वो एक मेथोडोलॉजी के तौर पर टोल यूज़ करना है हाँ मार्क्स पे जो सबसे बड़ा इतराज़ होता है और जो हमारे मानवीयों ने जिस तरह से तो की है मार्क्स की पिछले पचास साठ सालों में आ, वो कि मार्क्स ने लिखा था कि मज़हब जो है वो अफ़ीम है अच्छा अब वो पूरा सेंटेंस पढ़े और वो कॉन्टेक्स्ट पढ़े कि उसका मतलब ये था कि ये इलीट क्लास देती है अफीम लोअर क्लास को सुलाने के लिए सो so, वो क्वेश्चन ना करें आप इधर से भी काटते सेंटेंस को इधर से भी काटते सेंटेंस को और आप यहां पे सामने पेश कर दें तो वो एक थियोलॉजियन या रिलीजियस राइटर तो था नहीं वो तो जो चैलेंज सामने आ रहे थे वो उसको जवाब दे रहा था उसका कहने का मतलब था कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है पचास साठ साल पहले सेवनटीन एटी नाइन में ये मज़हब के नाम पे ही तो दबा के रखा हुआ था फ्रेंच लोगों को कोलेब्रेशन ऑफ चर्च एंड पैलेस बादशाह सलामत मुकद्दस से डिवाइन राइट ऑफ द किंग लोगों को बिलीव करवाया हुआ था वो पिस रहे थे वो मर रहे थे रूसों ने लिखा बॉल्टर ने लिखा अब मॉन्टेस्क्यो ने लिखा किस किस ने नहीं लिखा वो मर रहे थे चर्च से आवाज़ आती थी कि भाई बादशाह के खिलाफ बोलना खुदा के खिलाफ बोलना रहे ये बादशाह का राइट जो है वो डिवाइन राइट है वो मुकद्दस है ये बाक्स ने देखा था तो किस कॉन्टेक्स्ट में उसने ये देखा था कि ये जो इलीट थी वज़ीर उसके जो इलीट थी दरबार की और बादशाह उनको तो सूट करती थी ना ये डॉक्टरें डिवाइन राइट ऑफ द किंग कि अब एक्सट्रैक्ट करते रहो टैक्सेस पेजेंट से मारते रहो उनको उनसे उनको बिल्कुल जिसको कहते हैं भूखा मरने दो लेकिन पैलेस चले अब पैलेस में क्या हो रहा था पार्टीज़ हो रही थी पैलेस में उनकी औरतों की जो लाइफ्स थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त हालत थी इलीठ की उसकी एक पूरी हिस्ट्री है जब आप पढ़े तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वो वो अफीम दी हुई थी चर्च ने फ्रांस के आवाम को मजहब की सूरत में कि ये ऊपर वाले से गल्तारी होगी अगर आप बादशाह को क्वेश्चन करोगे अच्छा जी ठीक है नहीं किया नहीं किया जब बिल्कुल मरने लग गए खाली पेट हो गए तो वो लाखों की तादाद में माहौल पे गए अटैक किया और पूरी फैमिली को मार दिया उन्होंने उस वक्त देखे ना ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इंसान ने पहली दफ़ा गलत बिलीव जो उसको दिलवाया था लीड क्लास ने उसके खिलाफ बगावत की पहला पहला इंसिडेंट है ह्यूमन हिस्ट्री में उसने बगावत की और मार दिया उनको सबको तो वो मार्क्स ये कह रहा था कि ये जो फ्रेंच लोग थे इनको अफीम बेची हुई थी चर्च ने चर्च तो अफीम बेच रहा था पिछले हज़ार साल से यूरोप में वो आपको सर्टिफिकेट देते थे चर्च में आप जाते थे फोर्टीन फिफ्टीन सेंचुरी की बात मैं कर रही हूँ कन्फेशन करते थे मैंने ये गुनाह किए हैं जो पादरी माफ़ कर दी और फिर उसके बाद जन्नत का सर्टिफिकेट लेते थे आप उससे आप लेकिन पैसे देते थे, थे उसको और फिर इनका कामों के बदले बादशाह बड़ी बड़ी जायदादें और जमीनें चर्च को देता था चर्च जो यूरोप में थे वो तो हजार साल तक वो तो बादशाह के पहले से ज्यादा अमीर थे अब मार्क्स ने तो ये चीजें देखी थी ना उसने कोई इस्लाम और हिंदुज्म या कोई ये मजहब थोड़ी सी स्टडी किए थे उसके तो अपने इर्द के दौर अपनी तारीख में यूरोप की तारीख में यह हो रहा था कि लीड क्लास लोअर क्लास को अफीम दे रही थी मजहब की तो उसने उस तरीके से उसको लिखा उसने किसी एक मजहब पे अटैक नहीं किया और ये उसका काम नहीं था यह उसकी डॉक्ट्रिन नहीं थी बिकॉज ही वॉज एन एक वॉज हिस्टोरियन सो उसको तो हर चीज तलाश करनी थी उस एरिया में तो, तो उसके खिलाफ हम तो बचपन से बेटा पले बड़े हैं इसी बात पे मार्क्स ने कहा था मज़हब फीम है तो बतोबा तो, बा, तो, बा, तो बा, ये किताब मत उठाना इस पर मार्क्स लिखा हुआ है ये देरिया ये फ्ल इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना वो आपकी कोल्ड वॉर का भी है आपके जो सत्तर साल कोल्ड वॉर के थे उसने तो हमें बर्बाद कर दिया ना हमें सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर दिया तो ने जो कुछ भी नहीं बनाए वो हमें भी बेचे हमने खरीदे फिर हमने दोबारा खरीदे कब 1979 में हजरत जावला के जमाने में तो हम तो अभी भी तैयार हैं खरीदने के लिए जी

वो वोड ऑफ प्रोडक्शन पे जाती है बात वो कहते हैं कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में जो मजहब आया वो जो क्लास स्ट्रक्चर था सोसाइटी उस का उसके मुताबिक देखिए उसने डिटेल में नहीं रखा जनरली तो, तो बेटा फिर यहाँ मैं तो एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट बैठी हूँ आपने समझना है ना इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन आप ये बहुत अच्छा सवाल उठा रहे हैं अगर आपने इसको समझना है तो आप जिस मज़हब के मुताल में ये समझना चाहते हो उसकी तारीख उसकी जोग्राफियाई तारीख अकतदी तरी तारीख उसकी कल्चरल तारीख को पढ़े तो नहीं ऐसा नहीं है नहीं ये भी गलत फहमी है मजहबों में डिफ्रेंसेज है इम्प्रमेंट्स हुई हैं वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन हुआ है रिलीजस इंस्टीट्यूशनस का देखिए ना ये अब चौदह सौ साल पहले औरत को अगर जायदाद में हिस्सा मिला चाहे आधा मिला आ, इस्लाम में तो इजेंट इट एन इम्प्रूवमेंट फ्राम द प्रीवियस वन उसको खुला का राइट मिला तो वो खुला का राइट तो पहली दफ़ा किसी मजहब में मिला ना अगर कुछ कंटिन्यूटी होती है मजहब में तो कुछ डिसकन्टीन्यूटी भी होती है तो तो ये तो आपने इसको इस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो हिस्टोरिकल मटीरियलज़म हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में आपने आपने खुद जवाब ढूंढने हैं मेरे पास किसी का कोई जवाब नहीं है मैं तो ख़ुद सवालों में घिरी हुई हूँ तो मैं तो क्लास में भी बच्चों को सिर्फ सवाल ही दे के जाती हूँ पहले दिन बता देती हूँ अगर सवाल ही ले रही है तो इस कोर्स को ले नहीं तो नहीं ले

कबर में साइड बदलना होगा जब मार्क्सिज्म का लफ सुनता होगा हाँ 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 क्योंकि हम एक मेन स्ट्रीम हैजी में मनोपली में वेस्ट की है एकेडमिक हैजिमनी में उसमें हमें ये लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है उनको भी समझाने के लिए और अपनी नई नस्ल को जो ट्विटर पे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बैठी है उसको भी समझाने के लिए अब हम डिसकनेक्ट तो नहीं कर सकते ना अब मैं अपने आइडियाज़ को ये जो रेवोल्यूशनरी और ये जो बागाना आइडियाज़ हैं उनको ले के पस में कहूँ कि नहीं मैंने तो ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करना ये कर एक रिजिडिटी दिखाऊँ तो वो मकसद फौत हो जाएगा ना मेरी जो लिटिल बिट नॉलेज जो मेरे पास है वो पहुँचेगा नहीं लोगों तक वो पहुंचने के लिए उसको उसको रास्ता मिलना देना बहुत जरूरी है आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है और ये इज़म्स जो हैं यहाँ तो पता नहीं अभी तक कितने इज़म हमारे लिए में आ चुके हैं ठीक है शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत इतना सब्र दिखाया आप लोगों ने <laughs> जारे नहीं जारे कि लोगों की आपने रखी तो वजह से और नहीं, पे पिछला बिल्कुल नहीं गया था। बहुत, बहुत शुक्रिया मतलब सुना था जो इनका मेरा वाइफ पॉडकास्ट जी है उसमें तो फिर उन्होंने जवाब लेकिन मुझे यही रोला था कि मैंने इसको पाया भी के दरिया को पूजे हुए बनके भी पे उन्होंने सस्सी और आंजा उससे शुरू किया और वो आसन में अभी का जो तो दौर है जिसमें मतलब के हवाले से भी बात हो तो रही है उस तब को उन्होंने फोर्टी थ्री मिनट में जो है वो बहुत ब्रीफली कवर कर लिया था और बहुत सारी चीज़ें जो हम डिटेल में किताबों में पढ़ रहे होते हैं और कभी कभी बहुत सारी दुखियाँ उलझ रही होती हैं तो वो जब उस मुझे तो बहुत सारी चीज़ें थी जुड़ती चली गई मैं गई क्योंकि मैं आज थीट आज तो अब उसके बाद अगर आप तैयरें फ़ड़ेंगे तो फिर और जाना हो जाता है क्योंकि लिबरल फैमिनिजम और इसके बाद था जो भाई ये पॉस बड़े और तीसरा जो है मतलब क्या वारिस सार्फिन क्योंकि जो मैंने कहा था देखिए कन जब ओ भी है प्रोटेस्ट तो वहाँ पर एक ग्रुप थी एलट बोलती और दूसरा ग्रुप जो है ना वो थी मजबूत या वो बात कर रहा था वहाँ पर दूसरे जो है Yeah, still... देखिए मैं एक चीज़ कह दूँ सॉरी लास्ट चीज़ में ये कहूँ कि जो जो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कैपिटलिज्म जो है ना जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसने स्टीम बसल्स लगाई हुई है वो स्टीम बिसेल्स पे जिंदा रहता है स्टीम आउट करने के लिए तो ये जो ये प्रोटेस्ट हैं ये डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी ग्रुप्स है ये छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं ये एक्चुअली हमारे जो एंगर है ना ह्यूमन सोसाइटी का ये उसको स्टीम आउट कर रहे हैं प्रेशर कुकर है ना उसमें लगा हुआ है ना पिजल लगी हुई है सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है अगर वो ना उठाए तो फट जाएगा अगर वो ना लगा हो तो कुकर पट जाएगा और अगर हम उसको एक दम उठा देंगे तो वो छत को लग जाएगा तो वो उसमें से थोड़ी 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 स्टीम निकलती रहती तो ये सारे जो नकड़े टकरे हैं ना ये सारे कैपिटलिज्म की टैक्टिक्स हैं ये स्टीम आउट करते हैं ये वर्ल्ड ग्लोबल ग्लोबल कैपिटलिज्म ने बाकायदा अपना स्टीमिंग आउट का सिस्टम या आपकी मीडिया चैनल क्या है यह आपकी आ, आपको एडिक्शन कर देते हैं अपने प्रोग्राम्स, ये स्टीम आउट करते हैं फ्रस्ट्रेशन आज क्यों नहीं कोई मूवमेंट बन पा रही इस मुल्क में इतनी फ्रस्ट्रेशन है क्यों नहीं मूवमेंट बन पा रही क्यों नहीं लोग जमा हो रहे अयूब खान के खिलाफ की मूवमेंट मुझे याद है आप यहां से अंदाजा लगाए क्योंकि उस वक्त बॉल्स नहीं थे लोग दिख ले थे ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजेडी देख ले हाँ उसको तो गैर हम वो नहीं करते वो तो हमारे यहां हुआ ही नहीं था वो तो कौन थे हमें तो पता ही नहीं वो कौन थे पच्चीस साल हम गैरों के साथ रहे थे वो वो वाइप आउट कर दिए वो तो तो वो ये ये कैपिटलिज्म के हरबे हैं इसको समझना पड़ेगा कैपिटलिज्म को क्वेश्चन करना पड़ेगा मैं बच्चों से यही कहती हूँ हमारा टाइम गुजर गया हम अपने तजर्बा आपसे शेयर कर सकते हैं लेकिन हम एक मूवमेंट को लीड नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके अंदर से आवाज़ उठेगी और वो और देखिए कैपिटलिज्म ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जरिए डिवाइड कर दिया उन्होंने तोड़ फोड़ दिया अपने मुल्कों में भी और हमारे यहां गजा में क्या हो रहा है कोई चो की किसी ने कोई बोला हमारे यहां कश्मीर में क्या हुआ पूरा पूरे बैनी अड़प कर गया इंडिया क्या हुआ वहां पे क्या हुआ ये इस से ये लगे हुए हैं और ये लगे रहेंगे जब तक हम इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक सिस्टम नहीं चेंज होगा इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है इसके लिए प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है इसके लिए देखिए हमारे टाइम की जो हम कायदेजम यूनिवर्सिटी में थे जिया के टाइम की जब जो, जो हमारी मूवमेंट्स वो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी जो बुड्ढों के लिए की थी Uh, और प्लस एहत किया था मिलिट्री uh, डिक्टेटरशिप के खिलाफ आज हम इंडिविजल मांगती हैं औरतों के मुख्तलिफ मुबले हमें खाना गर्म करने का ना कहा जाए हमें ये ना कहा जाए वो ना कहा जाए आदित दे द रियल इश्यूज? नो दे आर नॉट द रियल इश्यूज। ये इशूज़ नहीं सॉल्व होने जब तक आप सिस्टम चेंज की बात नहीं करेंगे ये प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलेगा